हेलो एवरीवन, बेटा एक इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके लिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी एनसीईआरटी लेवल अप करेंगे। एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा बदल गया एग्जाम का, जिसमें जो भी चैप्टर आपको डीपली एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो हमें आपका थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे इस सेशन में, आपको हर एक लाइन का मीनिंग समझाएंगे और उसमें कोई हिडन बात है तो उसको पॉइंट आउट करेंगे और साथ के साथ कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, आपको एक समरी मिलेगी और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी आपको प्रॉपरली लाइन बाय लाइन पता चलेगी कोई डिफिकल्ट वर्ड है और क्यों लिखा हुआ है, ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप रेडी हो जाइए, अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, आप साथ के साथ पढ़ सकते हैं। पहले मैं पूरा एक पेज पढ़ लूं तो आप रोक कर उस पेज को रीड करिए कि आपको सारा समझ आ गया, इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो एक तरीका यह है कि पूरी आप मेरे साथ पढ़िए, दूसरा तरीका यह है कि आप एक पेज वाला देख लीजिए, फिर दूसरा पॉज करिए, फिर दूसरा पेज पढ़िए, ऐसे करके भी चल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पैराग्राफ दे रखा है, उसमें बोला हुआ है ऑल ऑफ अस ब्रीद टू लिव, कह रहा है कि हम सब जो हैं वो ब्रीद करते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, बट वाई ब्रीदिंग इज सो एसेंशियल, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीद, ये कुछ सवाल पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म ब्रीद करते हैं, माइक्रोब्स भी ब्रीद करता है? तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है कि जो ब्रीदिंग है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, एनर्जी से, और एनर्जी बनती कैसे है, ऑक्सीजन की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है ना, इसकी स्टार्टिंग करी है ब्रीदिंग से और ब्रीदिंग को रिलेट करेंगे एनर्जी से और ऑक्सीजन से। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार समझते हुए चलते हैं। तो कह रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी, मतलब ग्रोथ के लिए। देख रहे हो, जैसे मान लो आपकी आपके उसमें स्टमक में एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्ट करना है चीजों का, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ब्रीदिंग को रिलेट कर रहे हैं एनर्जी से। ठीक है, वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, और एनर्जी के लिए मैं हम क्या खाते हैं, खाना। तो क्या सिर्फ खाने से एनर्जी मिल जाती है? नहीं, उसको हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। नाउ हाउ दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम फूड, फूड में से एनर्जी कैसे निकलेगी, हाउ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज, डू वी ऑल गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, पूछ रहा है कि क्या सारे खाना सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता, कुछ सवाल पूछ रहा है आपसे। ये ब्रीदिंग को लेकर पूछ रहा है क्या सारे ऑर्गेनिज्म ब्रीद करते हैं। दूसरा ये सवाल पूछ रहा है कि क्या एनर्जी को लेकर कह रहा है, क्या सारे प्रोसेस में एनर्जी चाहिए या सारा खाना सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है। दूसरा पूछ रहा है क्या प्लांट भी खाते हैं, यस और नो, क्लियर है ना, और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने दो तीन चीजें रिलेट करी, पहला ब्रीदिंग जो ऑक्सीजन से रिलेट है, दूसरा सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आती है, खाने से। अब खाना एनर्जी कैसे बनाता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये पहले पैराग्राफ में बस आप याद रखें, ब्रीदिंग एनर्जी से रिलेटेड और एनर्जी ऑक्सीजन से। अगला पैराग्राफ, अगला, यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबाउट, दे सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड, मतलब कह रहे हैं कि जो ऊपर सवाल पूछे हैं वो काफी ज्यादा डिसकनेक्टेड हो सकते हैं लगेंगे, बट रियलिटी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग किससे कनेक्टेड है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी से। कैसे, क्योंकि ब्रीदिंग से ऑक्सीजन मिलेगी फिर एनर्जी रिलीज होगी। यस, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन, कैसे ये होगा देखते हैं। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन, तो सारी की सारी एनर्जी कैसे आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, सम का मतलब है क्या सारे मैक्रोमोलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, उस मैक्रोमोलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फूड बोलते हैं, जिसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं। अब यहां पर आपने ध्यान रखना है, एनसीईआरटी कह रही है ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया। अब यहां पर एक बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया ही हमारे पास एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूज हो सकता, मतलब सॉरी खाना बनाते हैं, नहीं, ग्रीन प्लांट में ये एल्गी इंक्लूड कर रहा है और एल्गी में आपके प्रोटिस्टा के पहले तीन ग्रुप भी आ रहे हैं। तो ठीक है, तो ग्रीन प्लांट मतलब पूरा प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा के तीनों को ले लिया इसने, और साथ के साथ साइनोबैक्टीरिया जो क्या करेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो अपना खुद का क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। यस, ठीक है, और कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कहीं ना कहीं हमने बात करी है एनर्जी कहां से आती है, खाने से, खाने का क्या होता है, ऑक्सीडेशन,
और हम ये कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया अपना खाना बना सकते हैं, और कैसे बनाते हैं, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, जिसे हम खाना कहते हैं। डन है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे ये मिल गया, ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर फूड। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि मेरे पास जो खाना है, केमिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हुई, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। मतलब प्लांट किस फॉर्म में खाना बनाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है, जो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और स्टार्च जो होता है ना मेरे पास, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं, क्या ग्रीन प्लांट के सारे सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं। यही लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि ग्रीन प्लांट के सारे सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते। नॉट ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे मान लो ये मेरे पास स्टेम है, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लीफ के अंदर हो सकते हैं, रूट के कोई भी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो लीफ में तो बहुत सारे सेल होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टेम में नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। क्या उसके अंदर सारे सेल ऑटोट्रॉफिक होते? नहीं, सारे सेल अपना खाना नहीं बना सकते। यस, यही कह रहा है। तो कह रहा है ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहां होते हैं, सुपरफिशियल लेयर पे। व्हाई सुपरफिशियल? क्योंकि लाइट पड़ सकती है। सुपरफिशियल क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये सेल है, आप देखो ये मान लो ये लीफ है, तो लीफ में भी एपिडर्मिस के पास वाले सेल मेरे पास होने चाहिए स्टेम में। ठीक है, हेंस इवन ग्रीन प्लांट ऑल अदर ऑर्गन टिश्यू एंड सेल्स आर नॉन ग्रीन। दैट आर नॉन ग्रीन, वो क्या करेंगे, फूड की जरूरत है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आया, कॉन्सेप्ट ये आया कि प्लांट केमिकल एनर्जी बनाती है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, वो स्टोर हो सकता है या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, स्टोर फॉर्म है। ग्रीन प्लांट के सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, कुछ सेल्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं जैसे रूट सेल्स, इनमें खाना बाहर से एंटर करता है। खाना मतलब ग्लूकोज कहीं और से आता है, प्लांट में ही आएगा पर कहीं और से आएगा। क्लियर है। और एनिमल्स में तो खाना बाहर से ही आता है, एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं, तो वो खाना किससे लेते हैं, प्लांट से। क्यों? क्योंकि फूड चेन लिंक है। यस, ये वाला पैराग्राफ डन। आगे चलेंगे। अब ये कह रहा है बेटा कि हर्बीवोर डायरेक्टली जो प्लांट से लेंगे, इनडायरेक्टली कार्निवोर। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि कार्निवोर मतलब लॉयन, प्लांट पे डिपेंड है, किसके थ्रू, हर्बी, तो इनडायरेक्टली लिखा है। सेप्रोफाइट लाइक फंजाई, क्या वो भी खाना लेते हैं? हाँ, डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, एनिमल सेल है, देखो जरा, मान लो ये ग्लूकोज बना दिया मैंने, तो एनिमल सेल में ग्लूकोज एंटर करता है ऐसे। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, मान लो ये स्टार्च है या कोई भी चीज है, उसको पहले किसमें तोड़ते हैं, ग्लूकोज में, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फिर ग्लूकोज एंटर करता है। तो एनिमल सेल हो या सेप्रोफाइट हो, ये क्या है, ये हेटरोट्रॉफिक है। ये क्या है हमारे पास, हेटरोट्रॉफिक है, तो इनमें तो ग्लूकोज बाहर से एंटर करता है। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बनता है, ये दिखा रखा है हमने, तो ये ग्लूकोज यहां बनता है और इसकी हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो रूल क्या है, सेल्स दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक सेल में क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनता है और उसको हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। हेटरोट्रॉफिक एनिमल सेल बाहर से एंटर करेगा, सेप्रोफाइट में भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज टूट जाएगी ग्लूकोज में और ये एंटर करेगा। डन हो गई बात। यस, अब एनर्जी क्या, कैसे बनाएंगे? एनर्जी बनाते हैं एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एक बॉन्ड की में एनर्जी स्टोर होती है। तो ये लिखा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अल्टीमेटली ऑल फूड, जो भी खाना है, वो कहां से आता है, फोटोसिंथेसिस से आता है। मान लो ये भी कहां से आया, स्टार्च कहां से आया, प्लांट ने बनाया होगा। ये मरा हुआ प्लांट है या मरा हुआ एनिमल है, इसमें भी खाना कहां से आया, प्लांट से आया था। ठीक है, क्लियर है। ये चैप्टर बात करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन की, सेल के अंदर होने वाले रेस्पिरेशन की। मतलब ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज सेल के अंदर एनर्जी बना रहा है, तो इसके रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक मैकेनिज्म है, किसका, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, कहां, सेल के अंदर। ब्रेकडाउन मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और उस एनर्जी से क्या बना रहे हैं, एटीपी बनाएंगे। डन। यस, आगे चलते हैं। अब आते हैं, अब फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विदिन द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होती है, कहां पे, साइटोप्लाज्म में। बाकी का एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां पे क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहां पर हो रहा है,
दो जगह पे, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना हमने, ठीक है। यस, और इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का कार्बन कार्बन ये बॉन्ड टूटते हैं, यस ठीक है, क्लियर है। और ये कहां हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है, कहां पर, सेल के अंदर, उससे क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है, ठीक है, और उस प्रोसेस को कह रहे हैं रेस्पिरेशन। तो सिंपल सा लॉजिक है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में, रेस्पिरेशन दो जगह, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है और जो एनर्जी बन रही है उस प्रोसेस को कह रहे हैं रेस्पिरेशन। और कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऐसा कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। एनर्जी बनाने में जो यूज होगा उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, क्लियर है। बट हम किसको किसको यूज कर सकते हैं, प्रोटीन को, फैट को आप देख लो, और ऑर्गेनिक एसिड को, इनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ प्लांट्स में, अभी तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स में सर्टेन कंडीशन में जब ये ऑक्सीडेशन होता है, जो भी एनर्जी बनती है वो क्या होती है, वो रिलीज नहीं होती फ्री, वो एक बॉन्ड में चली जाती है, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं कि ये ग्लूकोज है, इससे एनर्जी बनेगी, तो क्या वो सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं होगी, नहीं, स्टेप वाइज रिलीज होगी धीरे धीरे, यस ये लिखा हुआ है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू सेल। तो यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन हो सकता है, देख सकते हो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन हो सकता है, प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसमें क्या हो रही है, और लोकेशन पूछ सकता है, ये वाली आपके पास साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया यहां होगा, ये आ सकता है। दूसरा क्या है, हम एक सिंगल स्टेप में नहीं करते, हम कैसे करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे, स्लो स्टेप होंगे काफी सारे, मतलब रेस्पिरेशन में क्या होंगे, सीरीज ऑफ स्टेप होंगे, लिखा हुआ है ना, सीरीज ऑफ स्टेप, ठीक है। और किसके थ्रू होगा, एंजाइम के थ्रू होगा, सही है। और उसको हम एक एनर्जी, केमिकल एनर्जी में बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड मतलब एटीपी, मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी हो रिलीज होगी स्टेप वाइज होगी, एंजाइम की वजह से होगी, और एक केमिकल एनर्जी, व्हाट इज केमिकल एनर्जी, एडीपी और पीआई के बीच का बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, उसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो रिलीज हुई है बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एटीपी बना सकते हैं, क्या बना दे सकते हैं, एटीपी, क्लियर है। और जब भी जरूरत होगी एटीपी को यूज कर लेंगे, यस। तो एटीपी कैसे काम कर रहा है, एनर्जी करेंसी की तरह काम कर रहा है, मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया है, हमने एडीपी और पीआई के बीच में उस एनर्जी को, उस बॉन्ड में, केमिकल बॉन्ड में उस एनर्जी को स्टोर करके एटीपी बना लिया, मतलब यहां इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, एटीपी बना लिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, जो ये नीचे यहां पर बोल रहा है, ये कह रहा है कि एनर्जी तो हमने बना ली, एटीपी बना ली, हमने क्या बना ली, एटीपी बना ली, पर जब मैं इस ग्लूकोज को तोड़ता हूं, मान लो मेरे पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसकी चेन है, कार्बन की चेन है, जब मैं इसको तोड़ता हूं तो कार्बन के कुछ कंपाउंड भी तो बनेंगे, जैसे एसिटाइल कोए बना, पाइरूवेट बना, तो ये जो कार्बन के कंपाउंड है जिनमें कार्बन स्केलेटन है, इससे मैं कुछ और बना सकता हूं, जैसे मैं फैटी एसिड बना सकता हूं। तो ये चीज कह रहा है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन की स्केलेटन टूटता है, कुछ चीजें बनाता है जो एनर्जी बना रहा है, ठीक है, पर उसके साथ साथ ये जो चीजें बनती है बीच में, जैसे कौन बना, पाइरूवेट बना, एसिटाइल कोए बना, क्रैब साइकिल के सबस्ट्रेट हो गए, ये बायोसिंथेसिस में भी यूज होते हैं, ये क्लियर हो गया। तो एक और रोल पता चल गया रेस्पिरेशन का, ये वाली पैराग्राफ समझ में आया, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, रेस्पिरेशन एनर्जी बनाता है, यस, रेस्पिरेटरी पाथवे में जो चीजें बनती है कार्बन स्केलेटन, वो यूज हो सकती है काफी सारी चीजों में, ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला सवाल ये एनसीईआरटी पूछ रहे, डू प्लांट ब्रीथ, अब हम ये कहते हैं सवाल ही गलत है, क्या प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। तो यही चीज कह रहा है, वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, यस चाहिए, यस चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए प्लांट को, है ना, ऑक्सीजन चाहिए, हम मना कब कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो चाहिए प्लांट को, ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल चाहिए प्लांट को, यस, लेकिन हम ये कह रहे हैं क्या वो ब्रीद करते नहीं, है ना, ये कह रहे हैं कि हेंस वो CO2 निकालते हैं, यस ठीक है, क्लियर है। तो ये कह रहा है कि प्लांट अनलाइक एनिमल, मतलब जैसे एनिमल्स में लंग्स होते हैं, प्लांट में कोई ऑर्गन्स नहीं होते, देख रहे हो, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, यस, पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लेंटिसेल्स होते हैं और स्टोमेटा होता है, ये स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज हो सकती है।
तो इसका कुछ रीजन है, जैसे अगर मैं कहूं कि क्या प्लांट ब्रीद करते हैं, नहीं प्लांट को ऑक्सीजन तो चाहिए, ब्रीद नहीं करते, ब्रीद क्यों नहीं करते, उसका कुछ रीजन है, देयर आर सेवरल रीजन, रीजन क्या है, देखो रीजन क्या, पहला प्लांट का हर एक पार्ट अपनी गैसेस एक्सचेंज खुद कर सकता है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये स्टेम है, लीफ है और रूट है, स्टेम अपनी ऑक्सीजन खुद ले सकता है, लीफ अपनी खुद ले सकता है और रूट अपनी खुद ले सकता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप में ऑक्सीजन या नाक से लंग्स में जाती है, ऐसे लंग्स में जाती है, तो क्या आपका हाथ अपनी ऑक्सीजन खुद ले सकता है, नहीं ले सकता, पैर अपनी ले सकता है, नहीं ले सकता, कपार सर ले सकता है, नहीं ले सकता, तो प्लांट में तो हर एक ऑर्गन अपनी ले सकता है, तो क्या उसे ब्रीद करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो पहला रीजन बता रहे हैं कि हर एक पार्ट अपनी खुद की एक्सचेंज कर सकता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं करती। हम सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को लंग्स में ले जाकर फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैस एक्सचेंज, उनकी डिमांड नहीं होती। क्यों डिमांड नहीं होती, क्योंकि उनको एनर्जी कम चाहिए। देखो डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि रूट स्टेम एंड लीफ रेस्पायरेट लोअर रेट, लोअर रेट मतलब कम। जैसे मैं कहता हूं कि भाई ह्यूमन में सब जगह, जैसे मसल को काफी ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो, तो वहां ब्लड भेजना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि प्लांट में पहला हर एक पार्ट अपनी ऑक्सीजन खुद कर लेता है पूरी, दूसरा इसलिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा वो रेस्पायर भी धीरे करते हैं, मतलब उनको उतनी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। ठीक है, कह रहा ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस चाहिए, और वो कौन करता है, लीफ। सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान काफी सारी CO2 अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, वो लीफ आराम से कर सकती है स्टोमेटा की वजह से। तो ये कुछ रीजन कह रहा है, पहला प्लांट अपनी ऑक्सीजन की पार्ट खुद कर लेता है, दूसरा कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में ही चाहिए ज्यादा एक्सचेंज, वैसे नहीं चाहिए, क्लियर। और वो खुद से कर सकता है, कब कर सकता है, दिन के समय, दिन के समय स्टोमेटा से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, और कह रहा है व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रॉब्लम, सिंस ऑक्सीजन रिलीज ही तो होती है, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो लीफ भर की ऑक्सीजन तो खुद बना लेता है वो, बल्कि ज्यादा बना रहा हो तो बाहर आती है। अब आते हैं थर्ड, थर्ड क्या है कि डिस्टेंस दैट गेट डिफ्यूज इवन इन लार्ज इज नॉट ग्रेट, मतलब ये कह रहा है कि बहुत बड़े बड़े प्लांट में भी गैस को बहुत दूर तक डिफ्यूज नहीं करना पड़ता। रीजन क्यों, क्योंकि प्लांट का अंदर का पार्ट तो डेड है, ये पार्ट क्या है, डेड है, सिर्फ गैस मुझे सरफेस पे चाहिए, और सरफेस में भी सेल्स के बीच में गैप होता है जहां से गैस चली जाती है। ये चीज क्लियर है, तो ये कह रहा है ईच लिविंग सेल इन प्लांट, देखो ईच लिविंग सेल इन प्लांट इज लोकेटेड क्वाइस क्लोज टू सरफेस, मतलब बाहर वाले सेल्स लिविंग है, अंदर वाले डेड है, तो बाहर सरफेस के पास लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। और ये कह रहा है जो मोटा तना भी है उनमें अंदर सेल्स तो हैं पर वो डेड हैं, तो लिविंग सेल्स कहां प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, बाहर, किसके अंदर, जस्ट ये बार्क, बार्क क्या होती है, छाल, तो इस छाल के जस्ट अंदर लिविंग सेल है, उनके बीच में भी गैप है, गैस आराम से जा सकती है, अंदर का पार्ट डेड है तो गैस को बहुत डीप डिफ्यूज नहीं करना है, और उसके लिए भी लेंटी सेल्स होते हैं। स्टेम पर क्या होते हैं बेटा, लेंटी सेल्स होते हैं, आप देख सकते हो ऐसा कुछ। हम ये कह रहे हैं कि पहली बात, लीफ अपना काम खुद से स्टोमेटा से आसानी से चला लेती है, स्टेम और लीफ बड़े ट्री में भी अंदर का ये पार्ट डेड होता है, तो लिविंग सेल सिर्फ बाहर है, और वहां पर भी मेरे पास ऐसे छेद होते हैं जिन्हें लेंटी सेल कहते हैं, इनसे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, और ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिसे हम कॉर्टेक्स की लेयर कहते हैं, इनके बीच में गैप होता है, आसानी से गैस जली जाती है, जैसे ये भी लेंटी सेल है। तो एक बच्चे को डाउट रहता है, सर लेंटी सेल सिर्फ स्टेम में होगा, नहीं, स्टेम में भी होगा, रूट में भी होगा, और रूट आप देख रहे हो अंदर से पार्ट डेड, यहां भी है और यहां भी पार्ट डेड है, लीफ चपटी होती है और उसमें आराम से सारा कुछ आराम से गैस के कॉन्टेक्ट। तो पहली, तीसरा बात क्या कह रहा है, बहुत डीप गैस को जाना नहीं है, क्योंकि अंदर का पार्ट डेड है और बाहर वाले पार्ट के सेल्स पैरेन्काइमा होते हैं, उनके बीच में आसानी से एक्सचेंज हो जाता है। ये देख लो, ये लिखा हुआ है, लूज द पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। तो क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लेंटी सेल्स है, दीज सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड, बोल रहे ना, जो अंदर के सेल्स हैं, डीप पार्ट है, वो क्या है, डेड है, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बेटा, वो मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, ये लिखा डेड, वो क्या देगा, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि प्लांट हैव लीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस विद कॉन्टेक्ट विद एयर, तो एयर के साथ बहुत कम पार्ट जो है वो कॉन्टेक्ट में है। डन हो गया, बताइए यहां तक ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे।
अब आ जाते हैं कुछ सवाल है मेरे आपसे, ठीक है। अब आप देख लो, लूज पैरेन्काइमा सेल्स किस में है? लीफ में भी है, आप देख रहे हो, लीफ में भी है, स्टेम में भी है और रूट में भी है। जैसे कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, एयर स्पेसिस हैं, जो गैस आराम से निकल जाती है। अब क्या कह रहा है बेटा, अब ये कह रहा है इस वाले पैराग्राफ में, द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। वो क्या बनाएगी? CO2 रेस्टो बनाएगी। और एनर्जी कैसे निकलेगी? हीट की फॉर्म में। क्या ये एनर्जी यूजफुल होगी सेल के लिए? क्लियर है? बताओ, ये एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए यूज होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है, सही है। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लांट, देखो ये कह रहा है कि अगर मैं ग्लूकोज का कंबशन करूं तो जो एनर्जी निकलेगी वो हीट की फॉर्म में निकलेगी, तो क्या ये एनर्जी यूज हो पाएगी? शायद नहीं। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है कि प्लांट यूज करेगा, कैटाबोलाइज करेगा ग्लूकोज को इन सच अ मैनर, स्टेप वाइज करना पड़ेगा। नॉट ऑल लिबरेटेड एनर्जी गोज एज हीट। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से मैं 6CO2 और 6H2O2 बनाऊंगा, अगर मैं इसका कंबशन कर दूं तो सारी की सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन अगर मैं ग्लूकोज का रेस्पिरेशन कर दूं तो 6CO2 प्लस 6H2O2 बनेगा, पर हीट के साथ कुछ एनर्जी को मैं ट्रैप कर पाऊंगा, किसमें? ATP में। ये समझ में आ रहा है? ये कह रहा है, ये कह रहा है, कह रहा है कि सारी एनर्जी नहीं निकलेगी हीट की फॉर्म में। तो की क्या है? की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज। रूल क्या है? एक सिंगल स्टेप में मत करो, स्टेप वाइज करो, छोटे छोटे स्टेप में करो, है ना, ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, लार्ज इनफ सच दैट एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड टू ATP सेंसेस। आपने ये पढ़ा भी है बेटा केमिस्ट्री में कि अगर मैं रिवर्सिबल कराना है किसी स्टेप को तो वो स्लो स्टेप होना चाहिए। ऐसे ही हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप खुद से बतावा, एग्जांपल बताता हूं, अगर गैस सिलेंडर में से डेली थोड़ी थोड़ी गैस निकालते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं आप? उसको आप कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं खाना बनाने में। लेकिन अगर आप एक ही साथ यूज कर देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, आप एनर्जी ट्रैप करके खाना नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही हम ये चाह रहे हैं कि जो ग्लूकोज है उसको स्टेप वाइज करें। रेस्पिरेशन में कैसे करोगे? स्टेप वाइज करोगे। तो स्टेप वाइज करने से क्या होगा? एनर्जी धीरे धीरे निकलेगी ग्लूकोज में से, और आप उसके साथ क्या कपल कर सकते हो? ATP बनाना, ठीक है। यही है रेस्पिरेशन, दिस इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन शुड बी स्टेप वाइज, नहीं तो एनर्जी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कंबशन रिक्वायर, कंबशन में भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बट मैं आपसे कह रहा हूं, बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। तो मैं अगर आपसे कहूं किसको हमेशा ऑक्सीजन चाहिए कंबशन को, क्या रेस्पिरेशन को हमेशा ऑक्सीजन चाहिए? नहीं। रेस्पिरेशन कुछ ऐसे सेल्स में भी होता है जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इस सिचुएशन का क्या करेंगे आप? देर आर सफिशियंट रीजंस टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन द प्लेनेट लिव इन एटमोस्फियर दैट लैक ऑक्सीजन। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रीजन हैं कि जो पहला सेल एटमोस्फियर पे था वो बिना ऑक्सीजन के मिला। मैं आपको बताता हूं, जब आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि पहले जब सेल्स आए थे तब ऑक्सीजन थी नहीं, साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाई है। और रेस्पिरेशन क्या उनमें होता था? यस, होता था। मैं अगर आपसे पूछूं पहले हेटरोट्रॉफिक सेल्स आए कि पहले ऑक्सीजन आई, पहले हेटरोट्रॉफिक सेल्स आए, तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो ऑक्सीजन पे डिपेंड ना करे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस सभी तरह के सेल्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन आने से पहले इवॉल्व हो गया था। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि एरोबिक और एनएरोबिक में से कौन सा रेस्पिरेशन पहले आया, एनएरोबिक वाला। जब ऑक्सीजन आई तो रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी बढ़ गई, ATP ज्यादा बनने लगा। ये कह रहा है, ये तो कह रहा है कि देयर आर सफिशिएंट रीजन, ये बिलीव कर सकते हैं कि पहला ऑर्गेनिक सेल कौन सा था, वो उस जगह मिला था जब ऑक्सीजन नहीं थी। इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो दैट देयर आर सेवरल एनएरोबिक कंडीशंस तो हैं, आज भी बताया मैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनएरोब। फैकल्टेटिव एनएरोब क्या होते हैं? वो एरोबिक होते हैं पर बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, क्लियर।
while the other requirement of anaerobic condition is obligate, जैसे methanogen, कुछ तो बिना oxygen के रहते हैं, yes or no? Yes. तो in any case, all living organism retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose with the help of, without the help of oxygen, उसे glycolysis कहते हैं. तो NCERT ने कहा है कि ठीक है, अब हम आपको respiration पढ़ाएंगे. तो उसने पहला सवाल पूछा है, क्या respiration सिर्फ oxygen के साथ होगा? यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा नहीं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आए थे जिनमें बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता था. उनमें अगर आप देखें, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन है. मैंने आपको समझाया भी था, पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कार्बन ऑक्सीडाइज होगी पर CO2 नहीं बनेगी. यस, तो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है. और अब आप ये चीज देख पाओगे कि ग्लूकोज से CO2 और ये बनता है, एनर्जी बनती है. उस एनर्जी को आप बायोसिंथेसिस में भी यूज कर सकते हो. यस, है ना, है ना, यूज कर सकते हो. ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कौन पहले आया था, एरोबिक वाले या एनएरोबिक वाले, एनएरोबिक वाले ये ठीक है ये गलत है, पहले कौन आए थे, एनएरोबिक आए थे. इस बात का सबूत ये है कि ग्लाइकोलिसिस सभी तरह के सेल्स में कॉमन है. तो पहले रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होती थी. डन हो गया. यस यस, आगे चलते हैं. अब हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहला प्रोसेस जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक मतलब ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. इसका मतलब होता है शुगर का टूटना. ग्लाइकोज मतलब शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, शुगर का टूटना. ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन किया था एम्बेडन ने, मेयरहॉफ ने और परनास ने. इसलिए इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं. ठीक है, इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, आप ध्यान से सुनना, ये कह रहा है एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं, उसमें ये अकेला प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन का है. तो अगर मैं आपसे कहूं एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं यूज हो रहा है, तो वहां पर रेस्पिरेशन कहां चलेगी, साइटोप्लाज्म में चलेगी. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कहां होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. ठीक है, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. किसमें होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो. और यहां ग्लूकोज की क्या होगी, पार्शियल ऑक्सीडेशन. मैंने आपको समझाया भी था, ये ग्लूकोज 6 कार्बन का है. इससे मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें, ये पाइरुविक एसिड बन रहा है. पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2. तो कोई CO2 बनी नहीं, इसे कहेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन. यस, और कितने मॉलिक्यूल बने, पाइरुविक एसिड के 2. क्लियर है, विच इज, अब देखो ग्लूकोज कहां से मिलता है मुझे, ग्लूकोज डिराइव होता है कहां से, फोटोसिंथेसिस, और वो कन्वर्ट होता है सुक्रोज में ट्रांसपोर्ट के लिए, और स्टोरेज होता है किसमें, स्टार्च में. अब जरा आगे सुनो, ये मैंने ग्लाइकोलिसिस लिख दिया, इसको अभी यूज करेंगे. देखो हमारे पास क्या है कि जो सुक्रोज होता है, मान लो मैं आपसे कहूं कि जैसे ये देखो, ये मान लो मैंने लीफ बना दी, ये स्टेम है और ये रूट है, इसमें लीफ में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, सुक्रोज में. सुक्रोज 2 शुगर का बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का. तो अगर मैं रूट सेल के पास ले गया, तो रूट सेल के पास क्या पहुंचेगा, सुक्रोज पहुंचेगा. तो रूट सेल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज इसको तोड़ देता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. तो यही चीज लिख रहा है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज. एंड ये दोनों रेडिली मतलब ये दोनों बिना किसी बदलाव के डायरेक्टली, रेडिली का ये मतलब होता है. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन कौन सी शुगर्स ग्लाइकोलिसिस में यूज हो सकती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज. गैलेक्टोज किससे मिलता है, मिल्क से, पर वो डायरेक्टली एंटर नहीं करता है ग्लाइकोलिसिस में, उसके बीच में एक रिएक्शन और होता है. पर ये दोनों डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में. और कैसे एंटर करते हैं, आप देखो, मान लो मैंने यहां लिखा ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से बनेगा, अच्छा ये देखो, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना. अब फ्रक्टोज से डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी बन सकता है. तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों रिएक्शन कौन कराएगा, हेक्सोकाइनेज कराता है. तो यही चीज लिख रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ध्यान देंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. तो हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, और ये कह रहा है दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, किसकी बात कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, आइसोमराइज टू फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. क्लियर है, उसके बाद के स्टेप सेम है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के सेम है. मतलब भाई यहां पे देखो स्टेप कहां लगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट.
इसके बाद के स्टेप सेम है, इसके बाद के स्टेप सेम है। इसका मतलब अगर मैं फ्रक्टोज यूज करूंगा तो मेरे को डायरेक्टली ये मिलेगा, यहां भी मेरे पास हेक्सोकाइनेज है, यस और नो, और यहां भी मेरे पास क्या है, हेक्सोकाइनेज है, यस, ये कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। अब देखो, अब उसने डायग्राम की बात करी, देखो इन ग्लाइकोलिसिस चेन ऑफ 10 रिएक्शन, टोटल रिएक्शन कितने हैं 10, तो आप देख सकते हैं टोटल रिएक्शन कितने हैं हमारे पास, 10 रिएक्शन है। आप काउंट कर लेंगे यहां से, देखिए 1, 2, 3, ये 2+4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और 10। अगर फ्रक्टोज यूज करूंगा तो कितने रिएक्शन होंगे, यहां 1 है तो फिर ये 2 हो गया, टोटल 9 रिएक्शन होंगे। कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ये वाला। ठीक है, तो टोटल कह रहा है आपको, टोटल यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है इन ग्लाइकोलिसिस चेन ऑफ कितने रिएक्शन है, 10, क्लियर, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, 10 एंजाइम होंगे, टेक प्लेस टू फॉर्म पाइरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। तो पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड में फर्क पता होना चाहिए आपको, इसको यहां पर लिख रहा है ये पाइरुविक एसिड, और असल में पानी के अंदर ये आयनाइज हो जाता है एसिड, तो यहां पर आता है पाइरुवेट, ये 8 है और ये एसिड है, दिस इज एसिड, दिस इज 8, ठीक है, क्लियर है, यस। व्हाइल स्टडिंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट दैट द स्टेप एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीएच और ये टेक प्लेस। तो इसने कहा कि ठीक है कौन से स्टेप में एटीपी बना है, तो देखिए जरा ये वाले स्टेप में एनएडीएच बनता है, फॉर्म होता है, इसमें एटीपी बनता है सेवंथ में और टेंथ में, तो हमने देख लिया भाई इनमें बन रहा है एटीपी, इन दोनों में एटीपी बन रहा है, इस पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में यहां एटीपी खर्च होता है, सही है, और यहां से ये साइकिल डबल चल रही है क्योंकि डाईहैप इसमें कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं इसने क्या बोला है, इसने बोला है एटीपी इज यूटिलाइजिंग टू स्टेप, फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और सेकेंड फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट वाले स्टेप में। तो हम देख सकते हैं बात, इजिली देख सकते हैं ये चीज, तो पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज से इसमें, अगर फ्रक्टोज यूज करोगे तो पहले और दूसरे स्टेप में, ठीक है, वो तीसरा ना लिखे पहला या दूसरा लिख सकते हैं। नाउ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो टूट जाता है, वो टूट जाता है, स्प्लिट का क्या मतलब है, टूटना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट जाता है किसमें, डाईहैप में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कीटोस शुगर है, और पीजीएल 3 फॉस्फोग्लिसराइड, ये दोनों शुगर है, ये भी शुगर है, आप देख सकते हैं, एक सेकेंड देंगे, हाँ, ये देखिए ये भी शुगर है पीजीएल और ये भी शुगर है। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप, हमने देखा है वन स्टेप जिसमें एनएडीएच और एच प्लस बना है, किससे, एनएडी प्लस से, दिस इज वेयर 3 पीजीएल किसमें कन्वर्ट होता है 1,3 बीपीजी में। तो ये 6 स्टेप है आपका, ये क्या है 6 स्टेप, अब देखो बेटा इसमें, ये देखो आप देख सकते हो इसमें, तो ये वाला 6 स्टेप में पीजीएल कन्वर्ट हुआ 1,3 बीपीजी में, ये 6 स्टेप है जिसमें एनएडी से, आप देखिए एनएडी प्लस से, एनएडी प्लस से एनएडीएच बना, ये रिडक्शन है ये वाली, तो ये वाले एरो पे ऑक्सीडेशन है, यस यस। अब देखिए 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, नाउ व्हाट इज रिडॉक्स इक्विवेलेंट, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड, मतलब क्या हुआ, जब हमने पीजीएल से हमने 1,3 बीपीजी बनाया है, बीपीजी बना है, तो एक एनएडी प्लस से क्या बना है, एनएडीएच बना है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस एनएडीएच को कह रहा है रिडॉक्स इक्विवेलेंट, ठीक है, क्लियर है, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, फ्रॉम पीजीएल, तो पीजीएल से 2 हाइड्रोजन निकले हैं और वो किसको ट्रांसफर हो गए हैं, टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनएडी प्लस, यस। तो हम यहां पर यह कह रहे हैं, इधर देख बेटा एनएडी प्लस, ठीक है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H प्लस, तो कैसे लिखोगे इसे बताओ, NADH प्लस H प्लस, ऐसे लिखते हैं, तो ये इसको कह रहा है 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, ये जो हमने यहां 2 मल्टीप्लाई करा, ये ना लिखे आप, ये लीजिए आप, ये वाला लीजिए कि 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम, देख रहे हो इन दोनों को एड करूंगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा, फ्रॉम पीजीएल, किससे निकले, पीजीएल से, तो ये पीजीएल से आए और इसने ये बना दिया, देखो पीजीएल से ये आकर इसके साथ जुड़ गया और क्या बन गया है, ये बन गया मेरे पास एनएडीएच, ठीक है, अब पीजीएल क्या हो गया है, पीजीएल का ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, और उसने साथ में क्या जोड़ दिया, एक फॉस्फेट जोड़ दिया था, ठीक है, तो क्या बन गया, बीपीजी, मतलब बीपीजी, ये रहा,
बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये चीज कह रहे हैं बेटा, अब तो आपको समझना पड़ेगा कि पीजीएल जो है उसकी दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन निकल के इसके साथ जुड़ के ये बना दिया, एडिशनल मेरे पास एक फॉस्फेट जुड़ा है। यस, पीजीएल से दो हाइड्रोजन निकाल दी मैंने, एनएडी से एनएडीएच और एच प्लस बना दिया, उसके अलावा मैंने ये फॉस्फेट जोड़ के ये बना लिया। यस, अगले स्टेप में क्या किया देखो, द कन्वर्जन ऑफ बीपीजी से 3PGA इज ऑल्सो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। तो बीपीजीए से आप देखो 1,3 बीपीजी से 3PGA जब बनाओगे तो इनमें एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी से मैं एडीपी से क्या बना रहा हूं, एटीपी बना रहा हूं। तो जो फॉस्फेट इसके पास था कौन सी कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, वो ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? तो यहां पर क्या बना है, अनदर एटीपी सिंथेसाइज। ठीक है, और फिर हम क्या लिख रहे हैं बेटा, फिर ड्यूर अब सिंथेसाइज, और एक और कहां बनेगा, पीपी से पाइरुविक एसिड में। एक कहां बना है देखो, एनर्जी एटीपी कहां बना है, इस वाले स्टेप में बना है। अब 3PGA से 2PGA बनेगा, फिर बनेगा पीपी, अगला एटीपी यहां बना है। तो यहां से यहां ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी से मैं एटीपी बना रहा हूं, यहां भी एनर्जी निकली एटीपी बना रहा हूं। कैन यू कैलकुलेट द हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली, डायरेक्टली डायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट का क्या मतलब है, एसएलपी डायरेक्टली बने हैं, क्या आप निकाल सकते हो कितने बने हैं डायरेक्टली? यस, निकाल सकते हैं। ठीक है, दो एटीपी बने। पाइरुविक एसिड इज देन की प्रोडक्ट है ना ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और उसका मेटाबॉलिक फेट क्या होगा हम आगे देखेंगे, है ना। अब जरा ये वाले पे नजर डालते हैं, ये जो दे रखा है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मैं बता देता हूं। एक एंजाइम यहां ध्यान रखना हेक्सोकाइनेस, और एक यहां याद रखना पाइरुवेट काइनेस, बाकी के ऐसे एंजाइम जरूरी नहीं है आपको। अब यहां देखो इसने क्या किया, एनएडी प्लस से एनएडीएच और एच प्लस लिखा है, इसका मतलब दो रेडॉक्स इक्विवेलेंट किससे निकले हैं, पीजीएल से। यस, और देखो ये डाई है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, ये अगर आप देखोगे ये इसमें कन्वर्ट हुआ है। यस, और ये इसमें कन्वर्ट होगा, तो यहां से ये डबल चलेगी, तो ये एटीपी और ये एटीपी ये डबल हो जाएंगी, दो ये हो गई और दो ये हो गई, और ऊपर दो खर्च हो रही है तो माइनस करके दो आ जाएगा नेट। यस, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहां पर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब हम पाइरुविक एसिड का क्या करेंगे। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, पाइरुविक एसिड का क्या होगा वो डिपेंड करता है सेल की नीड पर, सेल की नीड पर। ठीक है, क्लियर है? एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और अब देखिए जरा ध्यान से, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास पाइरुवेट के तीन मेजर फेट हैं जिस पे हम बात करेंगे। एक है लैक्टिक एसिड, ठीक है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक हम लोग बात करेंगे लैक्टिक एसिड पे, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा एरोबिक में। एनसीईआरटी ने क्या किया है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन पहले दे रखा है। तो फर्मेंटेशन कब होता है, एनएरोबिक कंडीशन में, किसमें किसमें होगा, प्रोक्रियोट्स में और यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स में, या यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स किसकी बात कर रहे हैं, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर क्या मल्टीसेलुलर यूक्रियोट्स में होता है, मसल सेल्स में होता है, मसल सेल्स में होता है, ठीक है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 है ना, वो और क्रैब साइकिल, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्मेंटेशन। अब देखिए क्या है, इन फर्मेंटेशन से बाई ईस्ट, तो ये यूनिसेलुलर यूक्रियोट है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। जब हम बात करते इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की, तो ग्लूकोज से मेरे पास क्या बनेगा, CO2 तो बनेगा, पर 6 नहीं बनेंगे, 6 नहीं आएगा, है ना, CO2 तो बनेगा, ठीक है। और कब होगा, अंडर एनएरोबिक कंडीशन में, क्लियर है। तो जहां पर पाइरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 तो बनता है, साथ में इथेनॉल बनता है, ठीक है। और इसके लिए मुझे एंजाइम चाहिए कौन से दो, तो देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ, हमने पढ़ा है कि पाइरुवेट से हम बनाते हैं क्या, एसिटल्डिहाइड। एक एंजाइम मुझे यहां चाहिए, और एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। यहीं पर मेरे पास एक CO2 बन जाता है, ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, और फिर ये 2 कार्बन, इसलिए यहां पर हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, ठीक है। एंजाइम कौन सा चाहिए मेरे पास, यहां डी कार्बोक्सिलेज चाहिए, यहां कौन सा चाहिए, डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि CO2 निकला है, और यहां चाहिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। यस, अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया, ये बात कर रहे हैं लैक्टोबैसिलस की, लैक्टिक एसिड बनता है किससे, पाइरुविक एसिड से, ठीक है। और एनिमल सेल में भी, किसमें, मसल्स में,
हमारे पास ऑक्सीजन की क्या इनएडिक्यूट एब्सेंट नहीं इनएडिक्यूट सप्लाई है, तो मेरे पास पाइरुविक एसिड से क्या बनता है लैक्टिक एसिड, वहां एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, तो यहां पर पाइरुवेट से हमने लैक्टिक एसिड बनाया, ये तीन कार्बन है ये तीन कार्बन है, तो पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड में कोई CO2 नहीं बनता, इथेनॉल वाले में बनता है, और यहां पर क्या होता है जो NADH है NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, तो NADH रीऑक्सीडाइज होता है NAD+ में, तो पाइरुवेट का क्या हुआ होगा रिडक्शन, पाइरुवेट का रिडक्शन होगा लैक्टिक एसिड में, तो NADH रीऑक्सीडाइज लिखा ना यहां पर देखो विच रीऑक्सीडाइज NAD, यस ठीक है। तो अब हम पहले बात करेंगे फर्मेंटेशन की, तो आप देखो ये दोनों रिएक्शन दे रखे है ना, तो ग्लूकोज आपके पास है उससे ग्लिसरडिहाइड 3 फॉस्फेट और ये मेरे पास क्या बन गया पाइरुवेट बन गया, ये क्या बन गया पाइरुविक एसिड बन गया, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ये पाइरुविक एसिड है, यस और नो, यस सर। अब जरा ध्यान से सुनो, पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड जब आप बनाते हो सिर्फ क्या फर्क होता है, यहां अल्कोहल ग्रुप आ जाता है, कहां अल्कोहल ग्रुप आ गया इस कार्बन पे जहां पर कीटोन था, तो अल्कोहल आ जाना इसकी जगह पर क्या है रिडक्शन, तो इस वाली एरो में रिडक्शन हो रही है, तो यहां पर क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, और ये वापसी कहां चला जाता है इस वाले स्टेप में, मेरी बात समझ में आ रही है, ये NAD+ यहां चला जाता है जिसे आप ग्लाइकोलिसिस कह रहे हो। तो हमने आपको यही बताया था कि ग्लूकोज से हम पाइरुविक एसिड बनाते हैं ये वाला, इस बीच में NADH बनता है, इस ग्लाइकोलिसिस में मेरे पास दो एटीपी बनते हैं, इस दो एटीपी को बनाए रखने के लिए कि ये बनता रहे हम क्या करते हैं, मुझे NAD+ चाहिए, मेरी बात समझो ध्यान से, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है उसमें मेरे पास दो एटीपी बनते हैं और साथ में NADH बनता है, अगर मुझे ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा NAD+ चाहिए, NAD+ क्या होता है कहां बनता है ETS में बनता है, तो पाइरुविक एसिड ध्यान देंगे पाइरुविक एसिड से जब मैं लैक्टिक एसिड बनाता हूं तो NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में और फिर ये यूज होगा ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि आपको यह समझना है कि NADH से NAD+ और कहां बनता है ETS में, ETS को क्या चाहिए ऑक्सीजन, तो अगर मसल में कम ऑक्सीजन मिल रही है तो मेरे पास NADH किस में कन्वर्ट नहीं होगा NAD+ में, तो हम क्या करते हैं पाइरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जो ये वाला एरो है ये रिडक्शन है, तो NAD की क्या हो रही है ये ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां पर मुझे एंजाइम चाहिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, यस और नो। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड में एटीपी कहां बनेंगे ग्लाइकोलिसिस वाले दो, क्या कोई CO2 बनी, ये भी तीन कार्बन है और ये भी तीन कार्बन है, तो कोई CO2 नहीं बनी, CO2 मेरे पास इस वाले स्टेप में बनेगी जहां पर क्या हो रहा है आप देखो पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है पहले एसिटल्डिहाइड में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है एसिटल्डिहाइड में, आप देखिए ध्यान से पाइरुविक एसिड जो है वो एसिटल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आप इस COH को हटा दो तो क्या निकल गया CO2 निकल गया, तो ये क्या ग्रुप रह गया, ये रह गया CH3CHO, अब क्या करो इसकी एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा ये बन गया अल्कोहल, इस वाले स्टेप में NADH खर्च होके वापसी बनाया NAD+, क्लियर है, तो यहां पर एंजाइम आएगा कौन सा पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिसको जिंक चाहिए, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पाइरुविक एसिड जो है उससे लैक्टिक एसिड भी बनता है जिसमें कोई CO2 नहीं बनते, पाइरुविक एसिड से इथेनॉल भी बन सकता है पर वो दो स्टेप में होगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा CO2 निकालेंगे यहां से फिर एसिटल्डिहाइड से मैंने क्या बना दिया इथेनॉल बना दिया, यहां तक ठीक है। अब जरा जो स्टेटमेंट्स लिखी है उनको जज करते हैं, सबसे देखो इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन दोनों इथेनॉल में नॉट मच एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनसीईआरटी कहती है लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स ट्रैप इन हाई एनर्जी बॉन्ड, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है और सारी की सारी, जैसे अगर मैं कहता हूं कि लेस देन 7% जो मान लो नॉर्मल एरोबिक में रिलीज होती है उससे उसकी 7% से भी कम एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं रिलीज होती है और वो भी सारी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होती, दोनों केस में दो ही एटीपी लोगे ग्लाइकोलिसिस वाले। दूसरा ये प्रोसेस क्या है हैजर्डस है, हैजर्डस मतलब हार्मफुल है, जो भी लैक्टिक एसिड बना या अल्कोहल बना वो नुकसान पहुंचाता है और नेट एटीपी क्या होगा अगर आपसे कोई पूछे वो दो एटीपी होगा और वो एटीपी कहां बना है ग्लाइकोलिसिस में, तो कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज
and deduct the number of ATP utilized during the glycolysis when one molecule of glucose is क्या है fermented to ethanol, alcohol या lactic acid. तो अगर आपसे कोई कहे कि ग्लूकोज है उससे पाइरुविक एसिड बना, उससे चाहे आप क्या बना लो, इथेनॉल बना लो, चाहे आप लैक्टिक एसिड बना लो, ये दोनों चीजें हार्मफुल हैं. यस, और आपको पता भी है बेटा, एक 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 एंटीसेप्टिक होता है, उसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, उसमें अल्कोहल होता है. तो अल्कोहल बैक्टीरिया को मार सकता है, हार्मफुल चीज होती है. तो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड दोनों हमारे पास हार्मफुल है, इसलिए हजार्डस लिखा था. ठीक है, तो अब ये कह रहा है, यहां पर पढ़ो, फॉर अल्कोहल लैक्टिक एसिड ईस्ट पॉइजन. देखो क्या कह रहा है, ईस्ट क्योंकि वो हार्मफुल है, पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द 13% अल्कोहल. मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें ईस्ट इथेनॉल बना रहा है, तो जब यहां कंसंट्रेशन 13% हो जाती है, मतलब टोटल 13% उसमें सिर्फ अल्कोहल बना है, तो ईस्ट क्या करता है, प्रोसेस रोक देता है. उससे क्या होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो मर जाएगा. इसने लिखा है स्टार्व इटसेल्फ टू डेथ, ईस्ट पॉइजन. पॉइजन मतलब उसने उसको खुद को मार दिया. ठीक है, 13% के आसपास. अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम अल्कोहलिक बेवरेजेस, आप याद करिए आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा है, बियर हमारे पास, बियर से हम विस्की बनाते हैं, तो बियर क्या है, अनडिस्टिल्ड है, उसमें इथेनॉल की कम परसेंटेज होती होगी, 13% मान लो. और अगर मुझे उसे डिस्टिल्ड करेंगे, डिस्टिलेशन क्या होता है, उससे हम अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं. तो ये पूछ रहा है कि आप कैसे बढ़ाओगे, डिस्टिलेशन लिखेंगे. बट देन इफ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, है ना, एंड एग्जैक्ट, और सारी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी को आप यूज कर पाएंगे. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एटीपी इन यूकैरियोट्स, दीज स्टेप्स टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये एरोबिक पर आ रहा है ना, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं. ठीक है, क्लियर है. और इसमें क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन सब्सट्रेट. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, और इसको हम नेक्स्ट सेशन में डील कर रहे हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. क्लियर है, तो एनएरोबिक में हमने बिल्कुल क्लियर करा, एल्डिहाइड बनाएंगे पहले, फिर इथेनॉल बनाएंगे, दो एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. क्या यूज होता है, NADH यूज होता है. कौन से वाले स्टेप में, इथेनॉल बनने वाले में. लैक्टिक एसिड में भी NADH यूज होता है, मतलब ऑक्सीडाइज होता है. और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ग्लाइकोलिसिस चलती रहे, और ग्लाइकोलिसिस से दो एटीपी बनते हैं. यस यस, ठीक है. अब आ जाओ जरा देखो, अब ये बात कर रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन की. तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. आपको पता है ये पाइरुवेट मैट्रिक्स में एंटर करेगा. ठीक है, अब सुनना ध्यान से, पाइरुवेट से आप बनाओगे एसिटाइल कोए और फिर बनाओगे क्रैब साइकिल. आपसे मैं पूछूं कि पाइरुवेट जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है. ठीक है, यहां ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहां ये फॉर्मूला है. इससे अगर मुझे CO2 बनाने हैं तीन, तो मुझे इसके हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे. बता बेटा, हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे. तो यही चीज ये कह रहा है, यही चीज कह रहा है कि पाइरुवेट को ट्रांसपोर्ट करेंगे साइटोप्लाज्म से कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में. तो यहां से लेकर मैं यहां आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे. पाइरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब तीन CO2 बन गए. ठीक है, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम. तो धीरे धीरे सारी हाइड्रोजन इसकी हटाएंगे, और वो हाइड्रोजन किसको मिलेगी, NADH को और FADH2 को. और ये हाइड्रोजन कौन से दो स्टेप में हटती है, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल में हटती है. उसके बाद मेरे पास कितने CO2 बच जाते हैं, तीन, एक पाइरुवेट से तीन CO2. इसका मतलब ये लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल दोनों की बात कर रहा है. उसके बाद कह रहा है ये पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड. तो जो ये NADH, देखो मेरी बात सुनो, ये किसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके, मैंने हाइड्रोजन रिमूव करी, हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ, H+ और इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अब किसके पास है, NADH के पास है. अब NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको जाकर देगा, ETS को जाकर देगा, और जो कहां पर प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन पर है कि नहीं है, इनर मेम्ब्रेन पर. तो यही चीज कह रहा है ये कि द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जब ETS में मिले, वो किसके पास गए, ऑक्सीजन के पास. क्या बना, पानी बन गया. ये देखो, तो NADH के इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, ऑक्सीजन के पास, और क्या बन गया, पानी बन गया. तो पाइरुवेट के इलेक्ट्रॉन्स किसने निकाले, NAD+ ने. क्या बना दिया, NADH. यस, और वो कहां हुआ, ये वाला रिएक्शन, लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल में, FADH2 भी बना, तीन CO2 बन गए.
ये वाला प्रोसेस कहां होगा, फिर मैट्रिक्स में होगा, क्योंकि ये दोनों कहां होते हैं मैट्रिक्स में। ये वाला कहां होगा, ये वाला होगा मेरे पास कहां पर, याद करो, ये वाला कहां होगा, ये होगा मेरे पास मेम्ब्रेन पर। ये बात अगली स्लाइड में ये लिखेगा। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फर्स्ट स्टेप प्रोसेस टेक प्लेस इन मैट्रिक्स। तो ये पहले वाला स्टेप ये मैट्रिक्स में हो रहा है, क्योंकि लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में होगी, ठीक है। वाइल द सेकेंड प्रोसेस कहां पर होगा, इनर मेम्ब्रेन पर। ये बात कर रहा है ईटीएस की और ये बात कर रहा है लिंक रिएक्शन की और क्रैब साइकिल की, ये इनकी बात कर रहा है। यस और नो? यस सर। पाइरुवेट जो बना है मेरे पास वो कहां एंटर करता है, मैट्रिक्स में एंटर करेगा और वहां पर उसकी होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने आपको कराया भी था कि ये जो पाइरुवेट है इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 निकलेगा और NADH बनेगा। तो NAD+ से, ध्यान से सुनो, NAD+ से NADH बनना, ये रिडक्शन है, ये वाले एरो पे रिडक्शन है। तो यहां क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी, प्लस CO2 निकल रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। इसको मिला के हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक से ज्यादा रिएक्शन है। मैंने मैकेनिज्म करके बताया था कि इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, पूरा मैकेनिज्म करके बताया था। तो रिएक्शन कैटलाइज बाई एंजाइम पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेस, जिसको क्या चाहिए, काफी सारे कोएंजाइम चाहिए। मैंने इसके कोएंजाइम लिखवाए थे, देखो ये जो एंजाइम है ये है पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेस। आप हमेशा याद रखें, जब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा हो और साथ में NADH भी बन रहा हो, पर हम नाम डीहाइड्रोजिनेज ही रखते हैं, डीकार्बोक्सिलेज नहीं रखते, ठीक है। इसको काफी सारे क्या चाहिए, कोएंजाइम, कौन कौन से, सबसे पहले तो इसको NAD+ चाहिए। NCERT ने Mg+2 दे रखा है डायग्राम में, उसके अलावा एक TPP मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था आपको, ठीक है। और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, कोएंजाइम ए चाहिए। तो ये चार कोएंजाइम चाहिए, क्लियर है। और ये कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, क्योंकि एक CO2 निकल गई है। जैसे ये CO2 निकालोगे तो क्या आता, एसिटाल्डिहाइड आता, पर ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, एसिटिक एसिड बन जाएगा और उस पर कोएंजाइम जुड़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, डन है, समझ में आ रहा है। यस, आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने कहा ना मैग्नीशियम चाहिए, ये लिखा हुआ इस एरो पे, देखो मैग्नीशियम लिखा हुआ, एसिटाइल कोए CO2 NADH। तो एक तो ये कोएंजाइम चाहिए, एक मैग्नीशियम चाहिए और एक कोएंजाइम। तो ये दोनों क्या है बेटा, कोएंजाइम ए और ये कोएंजाइम है, ये कोफैक्टर है। यस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH, क्योंकि अगर मैं पाइरुवेट दो लूंगा तो यहां पर भी ये NADH दो बनेंगे, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। एसिटाइल कोए फिर एंटर करता है साइक्लिक पाथवे में, जिसे क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है तीन COH ग्रुप होते हैं, और उसको क्रैब साइकिल कहते हैं। किसके नाम पे, हेंस क्रैब के नाम पे। अब आते हैं क्रैब साइकिल पे। देखो, क्रैब साइकिल में सबसे पहले क्या है, मेरे पास दो कार्बन का एसिटाइल कोए है। यस और नो? यस सर। अब एसिटाइल कोए के साथ ओए जुड़ता है, ओए कितने कार्बन है, चार कार्बन, चार और दो हो गई छह, साथ में पानी एड कर लो, जो कंपाउंड बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का है, छह कार्बन का, और इस छह कार्बन का सिट्रिक एसिड जो बना है ना मेरे पास, ध्यान से सुनो बेटा, TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद OA एसिड। देख रहे हो, कंडेंसेशन हो रही है, एसिटाइल कोए के साथ पानी और OA जुड़ रहा है, ठीक है। क्या बना रहे हैं, सिट्रिक एसिड बना रहे हैं। तो यह पहला प्रोडक्ट हो गया। इसके एंजाइम का नाम याद करना है, मैंने आपको कहा था ग्लाइकोलाइसिस में दो नाम याद करने, हेक्सोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज, उसके अलावा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज और पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इथेनॉल वाला है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज लैक्टिक एसिड, ये सब साइटोप्लाज्म में। अब ये पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कहां था, मैट्रिक्स में। क्रैब साइकिल के पहले एंजाइम का नाम क्या है, सिट्रेट सिंथेसिस एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए फ्री हो गया यहां पर, ये जो कोएंजाइम ए है ये फ्री हो गया, तो क्या बन गया, सिट्रिक एसिड बन गया। इसको हम बनाएंगे आइसोसिट्रेट, क्या बना दिया, इसको आइसोमर बना दिया। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, मैंने पोजीशन चेंज करी थी। उसके बाद कह रहा है कि दो स्टेप कर रहे हैं इसके डीकार्बोक्सिलेशन के, तो आइसोसिट्रेट से बना रहे हैं पहले ऑक्सैलोसक्सिनेट, याद है किसी को? यस सर, ये भी छह कार्बन था, तो यहां ऑक्सीडेशन करके NADH बनाते थे। हां सर। अब ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है उसमें हम पहली डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, तो क्या बन गया, अल्फा कीटो। तो पहली में क्या बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो ये यही चीज कह रहा है कि दो सक्सेसिव स्टेप, तो अल्फा कीटो की भी क्या करेंगे,
CO2 निकाल देंगे और साथ में यहां NADH बना देंगे। तो अगर आपसे मैं कहूं NADH बनना और CO2 निकलना, इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। यस, तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट में एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, फिर दूसरी यहां हो गई, मेरे पास आ गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में। यस, तो क्या बना, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, देखो दो के बाद अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना एंड देन सक्सिनाइल कोए बना, तो दो मेरे पास हुई है, ये पहली CO2 गई और दूसरी CO2 गई, क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। यस, अब आगे आओ, अब क्या है, सक्सिनाइल कोए इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड टू ओए, मतलब मुझे ये सारे स्टेप इसने एक साथ लिख दिए। इधर देख, सक्सिनाइल कोए से बेटा मैंने बनाया पहले फिर सक्सिनेट, सक्सिनेट से मैं क्या बना रहा हूं, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैं क्या बना रहा हूं, मैलेट, मैलेट से ओए बना रहा हूं, तो यहां से मैं पूरा ये ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। क्या प्रूफ है, देख, अगर एफएडी से एफएडीएच2 बना है, एफएडी से एफएडीएच2 बना है, तो ये वाले एरो पे हो रही है रिडक्शन, तो इसका मतलब इधर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ऐसे यहां पानी ऐड किया, फिर यहां भी क्या बन रहा है, एनएडीएच बन रहा है, तो एनएडी प्लस से, एनएडी प्लस से एनएडीएच बनना, ये वाले एरो पे क्या हो रही है, देख बेटा ये वाले पे हो रही है रिडक्शन, तो इस वाले पर क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, तो एक यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, एक यहां ऑक्सीडेशन, ये लिख रहा है सक्सिनाइल कोए को ऑक्सीडाइज करेंगे ओए में। यस, यहां पे लिख रहा है, देखो सक्सिनाइल कोए क्या क्या किया ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन, सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनिक एसिड, अब मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी बनाएंगे, इसी बीच में यहां पर इस वाले स्टेप पे सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट में मैंने क्या बना दिया जीटीपी, और जीटीपी में जितनी एनर्जी है उतनी एटीपी में होती है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देख, जीटीपी को तोड़ रहा हूं, तो क्या बना रहा हूं, जीटीपी को अगर तोड़ूंगा, बता मेरे बात, जीटीपी को तोड़ूंगा तो क्या बनाऊंगा, जीडीपी और पीआई बनाऊंगा। यस सर, वो एनर्जी किसको दे दूंगा, एडीपी और पीआई को दे दूंगा, क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आपको यह समझ में आएगा बेटा, आपको यह समझ में आएगा कि मैंने जीटीपी से एटीपी बना दिया। यस, यही चीज लिख रहा है ये, दिस इज देखो क्या लिख रहा है, जीटीपी सिंथेसाइज, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये क्या है, एसएलपी है, एसएलपी मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ऐसी एसएलपी और कहां होती है, ग्लाइकोलिसिस में, इट इज इन अ कपल्ड रिएक्शन, जीटीपी को किसमें कन्वर्ट किया, जीडीपी में, देखो ये लिखा है, जीटीपी को कन्वर्ट किया जीडीपी में, एटीपी बन गया विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, मतलब जो जीटीपी के टूटने की एनर्जी थी या एनर्जी रिलीज हुई होगी, वो एनर्जी किसको दे दी, इन दोनों को जोड़ने में दे दी। यस यस, और क्या बोला, देयर आर थ्री पॉइंट्स इन साइकिल वेयर वेयर एनएडी प्लस इज रिड्यूस्ड टू एनएडीएच, मैं कह रहा हूं ना एनएडी की रिडक्शन हो रही है इसमें, तो और एक पॉइंट ऐसा है जहां पर एफएडी कन्वर्ट हो रहा है एफएडीएच2 में, आप देख सकते हो, ये देखो तीन पॉइंट है, एक दो और तीन, जहां एनएडी कन्वर्ट हो रहा है एनएडीएच पे, एक पॉइंट ऐसा है एफएडी कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, एफएडी कन्वर्ट हो रहा है एफएडीएच2 में, ये रहा एक पॉइंट ऐसा है। यस, द कंटीन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए, मतलब हम एसिटाइल कोए को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल में, कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, मुझे ओए लगातार चाहिए इसीलिए इसको मुझे रीजनरेट करना पड़ता है। यस yes, रीजनरेट करना पड़ता है, मतलब मुझे ओए बनाना पड़ेगा, तो मैंने जो यहां पर आपको दिखाया मैंने ओए वापसी बनाया ये तभी यूज होगा। यस yes? हाँ ठीक है, इन एडिशन मुझे क्या चाहिए, NAD+ और FADH2+ चाहिए, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक तो मुझे OA चाहिए ताकि एसिटाइल कोए को यूज कर सके क्योंकि इसी के साथ कंबाइन होगा तो वो साइकिल में हो गया। अगर मुझे NADH बना है इसको मैं वापसी अगर NAD+ में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मतलब इसको ऑक्सीडाइज नहीं करूंगा, ये ऑक्सीडाइज कहां करूंगा, ETS में, ऐसे FADH2 को मैं कन्वर्ट करूंगा FAD में, ये कहां करूंगा, ETS में, नहीं तो अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो साइकिल नहीं चलेगी, और ये काम मैं कहां कर रहा हूं, ETS में, क्लियर है। अब देखो समरी एरी, ये क्रैब साइकिल दिखा रखी है, पाइरुवेट से दिखा रखा डायरेक्ट इसने, अगर हम पाइरुवेट से देखें तो एक CO2 यहां बन रहा है, एक दूसरा और तीसरा, तीन CO2 बनने चाहिए वो दिखा दिया आपको, एक NADH यहां बन रहा है, एक यहां,
एक यहां एक यहां, तीन पॉइंट, तो चार हो गए, एक यहां और ये, तो क्रैब साइकिल में तो तीन है, लेकिन ये वाला लिंक रिएक्शन भी जोड़ दोगे तो चार हो जाएगा। यस, FADH2 यहां, ठीक है, आ गया। ये देखो, इसने जो रिएक्शन दिया है वो पाइरूविक एसिड से दिया है, तीन कार्बन से दिया है, इसने 4NAD+ लिखे हैं और FAD+ लिखे हैं, यस और नो? ठीक है, क्लियर है। अब यहां दो H2O कहां लिखे, एक तो OA के साथ वाले रिएक्शन में जहां पानी ऐड किया था, याद है आपको, और साथ में क्या लिया था हमने, एसिटाइल को लिया था। इसके अलावा मैंने एक जो रिएक्शन था जिसमें हमने बोला था कि फ्यूमरेट को मैलेट में ऐड करेंगे तो वहां पानी डालना पड़ रहा था, तो ये दो रिएक्शन है। अब यहां पर मैंने क्या किया, एडीपी और पीआई, मेरे पास क्या बन गया, एटीपी बन गया, ठीक है। एनएडी से मेरे पास क्या बन गया, एनएडीएच बन गया, एच प्लस लिख दिए साथ में, और एफएडी से मेरे पास क्या बन गया, एफएडीएच2 बन गया। एक पाइरूविक एसिड से तीन CO2, ये दो पानी कहां से आए समझ में आया, एक तो मुझे ये वाला पानी ऐड करना है, दूसरा पानी मुझे कहां ऐड करना है, आप देख सकते हो, एक पानी मैंने यहां ऐड किया है यहां पर, ठीक है, एक पानी मुझे यहां पे ऐड करना पड़ा है, और दूसरा पानी जो जो फ्यूमरेट से मैलेट वाले स्टेप में वो है। वी हैव सीन दैट ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 8 molecules ऑफ NAD+, ठीक है, ग्लूकोज को हमने तोड़ा है, रिलीज किया है, देख रहे हो, देखो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बना है, पाइरुवेट से मैंने CO2 बनाया है, कितने बनाए भाई, ध्यान सुनो, एक पाइरुवेट से मैंने क्या किया, लिंक रिएक्शन किया, और मैंने क्या करी, कौन सी साइकिल करी है, क्रैब साइकिल करी, आप बताओ खुद से, क्रैब साइकिल करी और लिंक रिएक्शन कराए, यस, तो लिंक रिएक्शन में एक CO2 बना, क्रैब साइकिल में दो CO2 बने, तो अगर मैं ग्लूकोज से देखूंगा तो 6 CO2 हो जाएंगे, यस और नो? तो आप देख सकते हो क्या लिख रहा है, देखो टू, देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है टू FADH2 हैव बीन सिंथेसाइज्ड जस्ट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन टीसीए साइकिल। अगर मैं ग्लूकोज से देखूं जिसमें मैं ये वाला स्टेप का हटा दूं, तो मेरे पास, मुझे बताओ, पाइरुवेट से क्रैब साइकिल में कितने NADH है, 4 NADH है, यस सर, इस वाले में 4 है, तो अगर ग्लूकोज से देखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे, जो जो माइटोकॉन्ड्रिया में बने हैं, 4 NADH 1 FADH2 बना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसलिए यहां पर 8 लिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पर कितना लिखा है, इसमें क्या लिखा, 8 molecule ऑफ NADH, इसका मतलब वो ये वाले नहीं देख रहा, सिर्फ ये वाले देख रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन में एक ग्लूकोज से 8 NADH बनेंगे। 8 कैसे बने, एक यहां बना और 3 यहां बने, 4 हो गया, और 2 पाइरुवेट बनते हैं इसलिए 8 हो गया। ऐसे FADH2 दो बनेंगे, और ATP भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि बनता एक है क्रैब साइकिल में, भाई एक ATP बनता है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां से ये साइकिल डबल है ना, 2 पाइरुवेट बनते हैं ना ग्लूकोज से, यस, मतलब ये रिएक्शन पाइरुवेट से लिखी है। अगर मुझे ग्लूकोज से लिखनी है तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, जस्ट डबल हो जाएंगी, यस, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने ना ऑक्सीजन यूज करी है, ना लार्ज नंबर ऑफ एटीपी बनाए हैं, ठीक है। NADH और FADH2 का क्या होगा हम देखेंगे, और ऑक्सीजन कहां आएगी ये देखेंगे। तो ये कह रहा है कि अभी तक हमने क्रैब साइकिल पढ़ ली, ना हमने ऑक्सीजन कहीं यूज की, क्योंकि हम बोल रहे हैं एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, ना हमने क्या बनाई है, कोई एटीपी बनाई है अभी बहुत सारी, जबकि हमने प्रॉमिस ये किया था कि लार्ज नंबर ऑफ एटीपी बननी चाहिए, हमने ये प्रॉमिस किया था, पर अभी तक बनी नहीं। लेकिन आपको एक लॉजिकल तरीके से यह समझ में आ गया कि क्रैब साइकिल में पाइरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक पाइरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल मिला के 3 CO2 बनते हैं, ये दिखा रखा है यहां पे, आप देख लो, ठीक है, 4 NADH बनते हैं, 3 क्रैब साइकिल में, 1 लिंक रिएक्शन का, 1 FADH2, 1 ATP। अगर एक ग्लूकोज से देखोगे तो ये डबल करके यहां लिखा हुआ है, सिंगल पाइरुविक एसिड से ये इक्वेशन है, डबल करके यहां लिखा हुआ। आगे की कहानी बढ़ाते हैं, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ETS क्या होता है बेटा, ETS माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होता है, यहां 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 कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन इनको देते हैं। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है सर, इनर मेम्ब्रेन है, पहली बात तो ये हो गई। ETS पे क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं ग्रुप में, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, कॉम्प्लेक्स नाम दे देते हैं। किसका कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का। NADH2 अपने NADH अपने इलेक्ट्रॉन देकर कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ETS में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन कैरियर का ग्रुप। तो देखो क्या कह रहा है,
कह रहे हैं कि अब आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, रिलीज और यूटिलाइज करेंगे क्या एनर्जी जो स्टोर हुई है किसमें, एनएडीएच में। तो एनएडीएच और एफएडीएच2 की एनर्जी कहां हम यूज करते हैं, कहां मतलब बनती है उससे एनर्जी, ईटीएस में बनती है। यस यस, दिस इज accomplished when they are oxidized. NADH को आप खुद से देखो, NADH से NAD plus convert करना oxidation है, ऐसी FADH2 से FAD बनाना oxidation है। ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है ETS में। तो जब ये oxidize करोगे तो क्या बनेगा सर, H plus बनेगा और साथ में electron बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर को, और वो इलेक्ट्रॉन इन कैरियर से होकर मूव करते हैं और वो फाइनली किसको मिलते हैं, ऑक्सीजन को। इलेक्ट्रॉन किसको मिलते हैं, फाइनली ऑक्सीजन को। तो यही लिखा है, दिस इज अकम्प्लीज व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। और इलेक्ट्रॉन्स फाइनली किसको मिलेंगे, ऑक्सीजन को। ये इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिलेंगे, ऑक्सीजन को, और फाइनली क्या बनेगा, पानी। तो ये जो पानी बनता है ये रेस्पिरेशन के लास्ट स्टेप में बनता है, जिसे ETS कहते हैं। जो आप रेस्पिरेशन में फाइनल रिएक्शन लिखते हो ना, 6H2O, वो 6H2O कहां से आता है, ETS में आता है। और वो ETS कहां होती है, इनर मेम्ब्रेन पर, वहां क्या लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे रहते हैं। यस, द मेटाबोलाइट पास थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासिस टू वन कैरियर टू अनदर, एक कैरियर से दूसरे पे फिर तीसरे पे ऐसे जाएंगे, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे। एंड इट इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये किस पे लगा हुआ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, ठीक है। हाँ देखो हमने यहां लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज बाई NADH डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो आप, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स वन है यहां पर, तो NADH ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और कन्वर्ट हो गया किस में, NAD प्लस में। इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए FMN के पास, फिर गए FES के पास। तो ये FMN और FES क्या है, ये कॉम्प्लेक्स वन है, ये कॉम्प्लेक्स वन है। तो इसका नाम भी रख दिया गया है, कॉम्प्लेक्स वन का नाम है NADH डीहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स। यस और नो, यस सर, डीहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स टू है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स टू है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है FADH2। यस, और ये क्या बन गया, FAD बन गया। ये जगह कौन सी, ये मैट्रिक्स है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया बनाओगे ना ये, तो ये वाली जगह है ये बीच में, ये रही, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये रही, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये रही, ठीक है। अब इसका एक और नाम है कॉम्प्लेक्स टू का, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स। यस और नो, यस। तो कॉम्प्लेक्स वन को इलेक्ट्रॉन NADH देता है, कॉम्प्लेक्स टू को देता है FADH2। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, यूबीक्विनोन को, ये इसे कहते हैं यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉम्प्लेक्स थ्री को। कॉम्प्लेक्स थ्री में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम बी, और ये है साइटोक्रोम C1। तो कॉम्प्लेक्स थ्री का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होगा, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये साइटोक्रोम C है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन में किधर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, बाहर से ही अंदर की तरफ आता है। कॉम्प्लेक्स फोर, अब देखो साइटोक्रोम C है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसको ऑक्सीडाइज, साइटोक्रोम सी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसको रिड्यूस करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, मतलब इस साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन इसने छीने तो इसको ऑक्सीडाइज किया। किसको ऑक्सीडाइज किया, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। तो मेरे पास चार कॉम्प्लेक्स है, 1, 2, 3, 4। एक यूबीक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम सी है, टू देता है यूबीक्विनोन को, फिर थ्री पर जाते हैं, फिर साइटोक्रोम सी फोर, और फाइनली यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करता है, 2H+ के साथ और दो इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसको या तो हाइड्रोजन कह लो या ऐसे दो इलेक्ट्रॉन कह लो।
तो जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं ना वो किसके साथ, प्रोटोन और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, पानी बना देते हैं। यस, तो फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यस, अब ये सारी चीजें जो लिखी हुई है उसको स्टेटमेंट वाइज एक्सप्लेन करते हैं। आ जाइए, तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू द यूबिक्यूनॉन। तो जो मैंने इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो खुद से क्या बोल रहे हैं, हमने कॉम्प्लेक्स वन को जो इलेक्ट्रॉन दिए वो किसको मिले, यूबिक्यूनॉन को मिल गए। यस, ठीक है, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन पर है। यूबिक्यूनॉन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन वाया FADH2। ठीक है, और जो कहां बना था, सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाले स्टेप में बना था। तो FADH2 कहां बना था, सक्सिनेट वाले स्टेप में बना था, किसमें बना था, सिट्रिक एसिड साइकिल में। वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, यूबिक्यूनॉन को। इसका मतलब यूबिक्यूनॉन ये दो जगह से इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉम्प्लेक्स वन से भी और टू से भी। टू का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स। तो FADH2 कहां बना था, आपको याद है FADH2 कहां बना था, ये बना था ना सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाले स्टेप में, FAD से FADH2 बनता है। यस यस सर, आगे आ जाइए, आगे देखिए, द रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉन, ठीक है, जिसे यूबिक्यूनॉल कहते हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यूक्यू मान लो कीटोन है, इसका नाम यूबिक्यूनॉन रख देते हैं। अब अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं तो यूक्यू के साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ के ये बन सकता है, तो रिड्यूस कीटोन को यूबिक्यूनॉल कह सकते हैं। ऑल ऑल मतलब एल्कोहल बन गया, ये लिखा हुआ है देखो। अब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी। तो यूबिक्यूनॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, किसके, वाया, वाया मतलब किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स थ्री के थ्रू। कॉम्प्लेक्स थ्री का नाम है साइटोक्रोम BC1। यस यस, अब साइटोक्रोम BC1 जो कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स थ्री कह रहे हैं, या साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन। आप देखो क्या कह रहा है, साइटोक्रोम BC1 के थ्रू साइटोक्रोम सी को दे दिया। साइटोक्रोम सी कैसे होता है, इधर समझ बेटा, जैसे मान ले ये तेरे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, यहां पर मेरे पास मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स थ्री था इस साइड। ये मेम्ब्रेन कैसी होगी, लिपिड की बाइलेयर ऐसी होती है ना, लिपिड की बाइलेयर, ऐसी लिपिड की बाइलेयर है। यस, तो यहां ये साइटोक्रोम सी है, कॉम्प्लेक्स फोर इस साइड है, तो कॉम्प्लेक्स सी इधर मैट्रिक्स है और ये डबल लेयर है ना लिपिड की ऐसे। यस, तो कॉम्प्लेक्स सी यहां से अंदर की तरफ मूव करता है, ये कह रहा है। साइटोक्रोम सी क्या है, एक प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन है, जो कहां है, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। आउटर सरफेस मतलब ये रहा, इसके बाहर की तरफ है, एंड एक्ट एज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थ्री एंड फोर। तो ये साइटोक्रोम सी थ्री और फोर के बीच में मूव करता है इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोर का नाम क्या है, देखो साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स फोर है, जो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, साइटोक्रोम सी से, जो बाहर से अंदर की तरफ आया। ठीक है, क्लियर है। और उसमें क्या होंगे, दो कॉपर सेंटर होते हैं। दो कॉपर सेंटर किसमें होते हैं, तो ये जो साइटोक्रोम ए है और साइटोक्रोम A3 है, जो ये A3 है ना, इसमें दो कॉपर होते हैं। साइटोक्रोम A3 में दो कॉपर होते हैं बेटा, क्या होते हैं, दो कॉपर होते हैं। यस यस, तो ये हो गया आपके पास। अब आ जाओ, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, अब देखो खुद से, जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे पे जा रहा था तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन अंदर भेज रहे हैं। उस ऊर्जा से देखो, NADH के इलेक्ट्रॉन इसको मिले और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जा तो फाइनली ऑक्सीजन के पास रहे, खर्च नहीं हो रहे, पर मैंने उस एनर्जी से क्या अंदर एड किए, H+ एड कर दिए। क्लियर है, क्या कर दिए, H+ एड कर दिए। यस यस, ये देखो, ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कर दिया। दे आर क्या किया, 1-4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल टू द ATP सिंथेसिस। कौन बनाएगा, कॉम्प्लेक्स 5 बनाएगा। ATP बना कैसे वो हम देखेंगे। द नंबर ऑफ ATP डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि कितनी ATP बनेगी। ध्यान से सुनेंगे, ये जो NADH है, आप अगर ETS को एक ऐसे पाइप की तरह से देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं, NADH अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर देता है कहीं, NADH ने क्या करे, इलेक्ट्रॉन ऊपर दिए, FADH2 कहीं बीच में देता है, तो NADH के इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा एनर्जी है, तो मेरे पास 3 ATP बनते हैं। और ATP बनते कैसे हैं, ATP बनते कैसे, ये कॉम्प्लेक्स 5 है, इसमें ये क्या है F0 है, ये क्या है F1 है,
तो एफनोट एक चैनल होता है, एफनोट क्या होता है, एक चैनल होता है, ठीक है। तो जब प्रोटोन वापसी जाते हैं, प्रोटोन इधर क्यों आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, जब प्रोटोन वापसी जाएंगे एफनोट क्या है, चैनल है, F1 क्या है, हेड है, ये घूम जाता है तो ATP बनता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास FADH2 कहीं बीच में यहां देता है अपने इलेक्ट्रॉन, NADH ऊपर से देता है, तो जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर से दे रहा है तो ज्यादा चांसेस है ATP बनने के, यस सर। तो ये चीज होगी, मेरी बात समझ में आ रही है, ये चीज होगी। अब आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूं, NCERT ने क्या किया है, NCERT ने एक डायग्राम ये दे दिया। आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे, इसमें बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि NADH की वजह से चार प्रोटोन ये, चार प्रोटोन ये और दो प्रोटोन, टोटल 10 प्रोटोन मूव कर रहे हैं, 10 प्रोटोन मूव कर रहे हैं कहां पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। अगर मैं आपसे कहूं कि चार प्रोटोन का एक ATP है तो 10 प्रोटोन का कितना होगा, मान लो मैं कहूं कि चार प्रोटोन की वजह से एक ATP बनता है तो 10 प्रोटोन की वजह से कितने ATP बनेंगे सर, 2.5 बनेंगे, जिसको मैं अप्रोक्स 3 ATP लिख देता हूं। ऐसे ही जब FADH2 करेगा, FADH2 क्या करेगा, 6 प्रोटोन मूव करेगा, FADH2 की वजह से कितने प्रोटोन मूव होंगे, 6 प्रोटोन मूव होंगे, जो आएगा लगभग 1.5 ATP, जिसको मैं 2 ATP के बराबर लिख देता हूं। तो मेरा पॉइंट यह है, आप इस डायग्राम में सिर्फ एक बात याद रखो कि मेरे पास चार प्रोटोन और दो प्रोटोन, ये क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि NADH के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है, उनमें इतनी ऊर्जा थी। यस यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से था, इस डायग्राम को आपने परेशान नहीं होना, आपने समझना ये कॉम्प्लेक्स 1 है, यहां पर कॉम्प्लेक्स 3 है, यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और FADH2 भी यूबिक्विनोन को देता है, वो सब कॉम्प्लेक्स 3 को देते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 ने साइटोक्रोम सी को दिया, जिसने कॉम्प्लेक्स 4 को दिया। कॉम्प्लेक्स 4 में आपको दो कॉपर दिख जाएंगे, ये देखो कॉपर बना रखा है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 4 से किस पे चला गया, ऑक्सीजन मिल गया, पानी बन गया। कॉम्प्लेक्स 5 में ये चैनल है और ये एक तरीके से हेड है, एफ नॉट है और ये F1 है, ये कॉम्प्लेक्स 5 कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4। कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 से लेता है, तो कॉम्प्लेक्स 2 की वजह से 4 ये और 2 ये मूव कर रहे हैं, NADH की वजह से 4, 4, 8 और ये। NCERT ने 2.5 ना लिख के 3 दे रखा, अभी कोई करेक्शन नहीं हुई है, और 2 यहां दे रखा है, तो हम 3 और 2 याद करेंगे। इस डायग्राम से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि चार प्रोटोन ये तो 10 प्रोटोन का अप्रोक्स 2.5 ATP होगा। पहले हम दूसरा डायग्राम पढ़ाते थे, ठीक है, हम ये वाला डायग्राम पढ़ाते थे, ये वाला डायग्राम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइटअप के हिसाब से यही बन रहा है, ठीक है। सर हम कौन सा फॉलो करें, डायग्राम पे क्वेश्चन एज सच नहीं आएगा इससे, तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो लेता किससे इलेक्ट्रॉन, FADH2 से, यस कर लेंगे, ठीक है, आगे चलिए, ठीक है। तो नंबर और ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर पे। अगर NADH है तो ज्यादा मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में, FADH2 तो कम है, ऑक्सीडेशन ऑफ, इसलिए कह रहा है एक NADH से 3 ATP बन रहे हैं और एक FADH2 से 2 ATP बन रहे हैं। ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। कह रहा है कि ETS में ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन एकदम लास्ट में चाहिए। लास्ट में क्यों चाहिए, क्या NADH को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ETS में जो लास्ट कैरियर है उसके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये चीज समझ में आ रही है, एकदम लास्ट में चाहिए, पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इन कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा। मान लो मैं आपसे कहूं ये पाइप है, इस पाइप पे NADH अपने इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, अगर नीचे से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा तो ये पाइप भरा रहेगा, यस सर, तो क्या मैं ऊपर से NADH और इलेक्ट्रॉन डाल पाएगा, नहीं, इसलिए ऑक्सीजन के बिना ETS नहीं चल सकती, क्लियर है। इसलिए कह रहा है येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, क्योंकि सिंस इट डिराइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। कह रहा ऑक्सीजन बहुत वाइटल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या निकाल रही है, इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, पर वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रही है, दो प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके एक तरीके से हाइड्रोजन हटा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, पानी। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें ग्लूकोज से CO2 बनाना है तो हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी, वो हाइड्रोजन फाइनली कौन हटा रहा है, ये लिखा हुआ है, रिमूविंग द हाइड्रोजन, व्हाई हाइड्रोजन, वो व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं हटा रहे, इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी हटा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हाइड्रोजन। यस, तो ऑक्सीजन को हम कह सकते हैं फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, कह लो हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ले लो, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह लो, ठीक है। अनलाइक द फोटोफॉस्फोरिलेशन जो लाइट की प्रेजेंस में हुई थी, लाइट एनर्जी क्या करती थी, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाती थी। याद करो क्लोरोप्लास्ट में पीएस टू और पीएस वन की वजह से यहां प्रोटॉन बनते थे, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी किसकी ऑक्सीडेशन, एनएडीएच की ऑक्सीडेशन या एफएडीएच टू की ऑक्सीडेशन की वजह से सेम चीज हो रही है। सेम कैसे हो रही है, यहां पर इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मैकेनिज्म ऑफ, हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ी थी, हमने पढ़ा था यहां प्रोटोन इकट्ठे होंगे, यहां प्रोटोन इकट्ठे होंगे और एफ नॉट एफ वन की वजह से एटीपी बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। यस, आ जाओ, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने ये पढ़ा था कि मेरे पास ये मान लो मेम्ब्रेन है, इस पर इस तरीके से एफ नॉट नाम का चैनल होगा, ये दिस इज चैनल, और यहां पर हेड लगा होगा, मैट्रिक्स की तरफ क्या होगा, हेड। तो जब प्रोटॉन मूव करेंगे, ये एफ1 है, एफ1 क्या होगा, कंफर्मेशनल चेंज शो करेगा। अब देखो ये लिपिड की बाइलेयर है, तो जो चैनल है ये मान लो चैनल है एफ नॉट, ये चैनल है, तो लिपिड की मेम्ब्रेन में ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल, और ये एफ1 क्या हो गया, पेरिफेरल हो गया, आप देख सकते हो पेरिफेरल मतलब साइड में। तो मेरे पास क्या है, एटीपी सिंथेज नाम है किसका, कॉम्प्लेक्स फाइव का, जिसे एफ नॉट एफ वन कह रहे हैं। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ क्या है, इसमें दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट एफ वन एंड एफ नॉट, द एफ वन इज हेड पीस, अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये रही पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये क्या है, साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एडीपी, तो यही जगह है जहां पर एटीपी एडीपी से बनता है। F0 क्या है, एक आर पार, देख लो ये मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन है बेटा, इसमें आर पार मतलब जैसे लिपिड है ना, लिपिड की ये मेम्ब्रेन है, इसमें ये चैनल जो है ये आर पार है, इंटीग्रल मतलब उसका पार्ट है, और ये साइड में लगी हुई है पेरिफेरल प्रोटीन, ये F1 है, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो क्या है, F0 इज अ इंटीग्रल प्रोटीन जो क्या बनाएगा, चैनल बनाएगा, ठीक है, जिससे प्रोटॉन मूव करता है, कहां से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ। द पासेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड विद द कैटेलिटिक साइट ऑफ एफ1, ठीक है, फोर एच प्लस पास थ्रू द एफ नॉट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमारे पास ये क्या होगा, चार एच प्लस, तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ बच्चों की में टू एच प्लस लिख रहा है, कुछ की में चार एच प्लस, एनसीईआरटी ने टू से चार कर दिया है, पर अभी डायग्राम में नहीं बदला, ये जो डायग्राम है ना यहां अभी भी दो लिखा हुआ है। तो आप याद रखो चार एच प्लस से हम एक एटीपी बना रहे हैं, एनएडीएच जो है वो 10 एच प्लस मूव करा देता है, तो लगभग 2.5 एटीपी, अप्रोक्स 3 एटीपी ले रहे हैं। एफएडीएच टू 6 एच प्लस मूव कराता है, जिसको अप्रोक्स 1.5 और जिसको हम 2 एटीपी कह रहे हैं, डन है, यस, ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है, कितने एटीपी बनते हैं, आप देखो मेरे पास, सुनो, सबसे पहले आपको पता था, ध्यान सुनेंगे, ग्लाइकोलिसिस में दो एटीपी बनते हैं, हाँ सर, और दो एनएडीएच बनते हैं, यस। इस वाले लिंक रिएक्शन में, अब ये वाला पाइरुवेट कहां था, ये वाला कहां था, सर साइटोप्लाज्म में था, ये वाला कहां आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया, ये लिंक रिएक्शन है, यहां एक एनएडीएच बनता है, ठीक है, यस। अब पाइरुवेट कितने हैं, दो, तो इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रैब साइकिल में तीन एनएडीएच, एक एफएडीएच टू और एक जीटीपी है, तो इसको भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके टोटल निकालोगे 12 एटीपी आएंगे, 12 कैसे आ गए बेटा, तीन को तीन से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 1 × 2 और एक, तो 12 एटीपी आ गए, इसके कितने आ गए, 6 एटीपी, पर ये एनएडीएच के एटीपी कहां बनेंगे, ईटीएस में, इस वाले के भी कहां बनेंगे, ईटीएस में, इस इन दोनों के कहां बनेंगे, ईटीएस में बनेंगे, यस, ये जो दोनों है ना ये वाले, इनके भी ETS में बनेंगे, तो ETS वाले को कहते हैं OP oxidative phosphorylation, इसको भी OP बोलेंगे, ये डायरेक्ट है इसको SLP बोलेंगे, ये वाला डायरेक्ट है SLP बोलेंगे, अब इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गए 24, 24 यहां आ गए, 6 30 और 6 सॉरी 8 38, 8 में दो डायरेक्ट हैं और बाकी ETS के,
इसमें 6 के 6 ETS के हैं क्योंकि दो NADH बनेंगे। इसमें क्या है 11, 12 में से 11 क्या है OP है और एक SLP है। ये एक क्रैब साइकिल की बात हो रही है, पर इसको दो से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्रैब साइकिल दो बार घूमेगी, क्योंकि एसिटाइल को ये दो बनेंगे, क्योंकि पाइरूवेट दो आए थे ग्लूकोज से। अब ये तो हो गई बैलेंस शीट, पर एनसीईआरटी ने क्या बोला है वो सुनो। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा पॉसिबल है कि कैलकुलेशन कर सके हम नेट एटीपी की, बट इट इज रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। मतलब हमने जो कैलकुलेशन करी वो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता बताता हूं। देखो ये कह रहा है ये कैलकुलेशन एक अजम्पशंस पर है, कुछ अजम्पशन पे। पहला, देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विच इज वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट विद ग्लाइकोलिसिस TCA ETS वन आफ्टर अनदर। मतलब ये कह रहा है कि इसके बाद फिर ये हो, इसके बाद ये हो, तो क्या कुछ और होता है? नहीं, होता यही है। पर कई बार क्या होता है, ये जो पाइरुवेट है ये एलानिन से भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं है ग्लाइकोलिसिस से आ रहा हो सकता है कि एसिटाइल कोए फैट से आ रहा हो, तो आपस में एक दूसरे के साथ ये सीधे सीधे जुड़े हो। ये मतलब हमने कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है कैलकुलेशन, लेकिन ये कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब कुछ अजम्पशंस आपकी सही बैठे। पहले कि ये आपस में एक के बाद एक जुड़े हुए हो। दूसरा, एनएडीएच जो बना है किसमें बना है, क्रैब साइकिल लिंक रिएक्शन में ग्लाइकोलिसिस में, वो कहां हो, या जो ग्लाइकोलिसिस में बना है वो एंटर करे माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि उसको हम ETS करा सके, ETS के थ्रू ATP बना सके, और जो भी बीच में चीजें बनी वो क्या हो, किसी और में ना जाए। जबकि हमने जब रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था हमने कहा था रेस्पिरेटरी पाथवे में जो चीजें बनती है ना, जरूरत पड़ने पर बायोसिंथेसिस में भी यूज होती हैं। तो जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ये थ्योरेटिकल है, रियलिटी पॉसिबल। देखो आएगा 38 ही अगर पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है सेल के अंदर, पर मैं आपसे कह रहा हूं जरूरत पड़ने पर पाइरुवेट कहीं और भी जा सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये थ्योरेटिकल है। यस यस ठीक है। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ग्लूकोज यूज हो, हो सकता है कोई अमीनो एसिड एनर्जी बना दे, आपने ज्यादा प्रोटीन खा लियो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं ये तभी पॉसिबल है जब ये एक के बाद चीजें बने, जैसे ग्लूकोज से पाइरुवेट बने तो पाइरुवेट सीधे लिंक रिएक्शन में जाए, फिर पाइरुवेट डायरेक्टली इसे एसिटाइल को क्रैब साइकिल में जाए, कहीं और से पाइरुवेट आए नहीं, कहीं और से आए नहीं और कहीं और जाए नहीं, मतलब ना बायोसिंथेसिस में जाए ना अमीनो एसिड या फैट से मेरे पास एसिटाइल कोए आए, तब ये सारी अजम्पशंस ठीक है, तब ये हो पाएगा। बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशन नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम में होता नहीं है। क्यों? ऑल द पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, डू नॉट टेक प्लेस। ऐसा नहीं है ना कि भाई जब ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट आएगा तभी क्रैब साइकिल काम करेगी। क्रैब साइकिल को काम करना, एनर्जी बनानी है तो जहां से मिले पाइरुवेट काम कर लेगा, ठीक है। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज ड्रॉ नहीं, विदड्रॉ नहीं कर सकते। तो एटीपी इज यूटिलाइज एज वेन नीडेड, एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल बाय मल्टीपल मींस, येट इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लिविंग सिस्टम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्टोरिंग एनर्जी। मतलब हमने जो एटीपी कैलकुलेट करके दिखाई ना कि 38 ATP बन रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दिखाए कि लिविंग सिस्टम कितनी एनर्जी बनी। मैंने कहा था ना जितनी भी एनर्जी बनती है क्या सारी एटीपी में स्टोर हो पाती है? नहीं। तो ये जो 38 कैलकुलेशन करी ये हमने सिर्फ इसलिए करी ताकि हम ये दिखा सकें कि एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बना सकते हैं या बनती होगी सेल में, और दूसरा ये सिस्टम कितना क्या है एफिशिएंट है, इस चीज को दिखाने के लिए करी, ठीक है। हेंस कैन बी अ नेट गेन ऑफ 38 ATP बन सकता है एक ग्लूकोज से एरोबिक में, ठीक है, एफिशिएंसी शो करने के लिए। नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन और एरोबिक को करते हैं। फर्मेंटेशन ओनली अ पार्शियल है, पार्शियल होगा मतलब कम CO2 बनती है, एरोबिक में कंप्लीट 6 CO2 बनती है। यस, तो पार्शियल में मान लो मैं एक बात करता हूं, मैं आपसे पूछूं एक ग्लूकोज से कितने CO2 बनते हैं इथेनॉल में, 2 बनते हैं। कुछ बच्चे एक याद करते हैं क्योंकि वो एक पाइरुवेट से लेते हैं, जो 2 पाइरुवेट से लोगे तो 2 CO2 आएगी, और एक ग्लूकोज से मेरे पास कितने बनते हैं, 6 CO2 बनते हैं। फर्मेंटेशन देयर इज नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड, ठीक है, वेयर इज मेनी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर जनरेटेड, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में क्या होगा, इसमें बनेंगे सिर्फ 2 ATP फर्मेंटेशन वाले में, और इसमें बनेंगे 38, ठीक है। दूसरा, NADH से NAD+ ETS में फास्ट होता है,
ठीक है, ईटीएस में फास्ट होता है, पर ईटीएस ऑक्सीजन पे डिपेंड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कई बच्चों को लगता है कि एनएरोबिक फास्ट होता है, नहीं, एनएडीएस से एनएडी प्लस जो है ये ईटीएस में फास्ट होता है, फर्मेंटेशन स्लो है, हाउएवर रिएक्शन इज वेरी विग्रेस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मैंने रीजन भी आपको बताया था कि मान लो पाइरुवेट से मैं एरोबिक में जाता हूं और एक ऑप्शन है आपका लैक्टिक एसिड, तो ये फास्ट है और ये स्लो है, इन दोनों में मेरे पास क्या हो रहा है, NADH को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, NAD प्लस में, दोनों में ऐसा कर रहे हैं, यस और नो, यस, इसमें भी यही कर रहे हैं, NADH को कन्वर्ट कर रहे हैं NAD प्लस में। NCERT कह रही है कि ये स्लो है ये फास्ट है, रीजन भी बता रहा हूं, ये फास्ट है तो नॉर्मली यही होता है, पर ये पूरा प्रोसेस किस पे डिपेंड है, ऑक्सीजन पे, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर ऑक्सीजन कम पड़ेगी तब हम ये करते हैं, नहीं तो अगर ये फास्ट होता तो नॉर्मली हम यही कर रहे होते ना भाई। आप लैक्टिक एसिड क्यों बनाते हो, क्योंकि ऑक्सीजन कम पड़ रही है, अगर लैक्टिक एसिड वाला फास्ट है तो फिर इसी को करते ना, यस। आ जाओ, अब आओ, व्हाट इज एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है बेटा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं रेस्पिरेशन कैटाबोलिक है और रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है। इस एम्फीबॉलिक का मतलब क्या है, एम्फी का मतलब होता है दो, एम्फीबियन होता है ना एम्फीबियन, एम्फीबॉलिक, तो इसमें कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों आ जाता है। कैटाबोलिक और एनाबोलिक अगर दोनों हो रहा हो ना तो उसे हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। तो नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज यूज होता है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, आपको समझना पड़ेगा, जैसे आपके एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है आपके सिलेबस में, मेन कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, सर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और एक गैलेक्टोज है जो बनती है, वो सारे ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं। फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है, ग्लिसरॉल किस में एंटर करता है, डाईहेप में या पीजीएल बना सकता है, और फैटी एसिड क्या करता है बेटा, एसिटाइल कोए बनाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या सिर्फ एनर्जी ग्लूकोज से बनाई जा सकती है, नहीं, एनर्जी जो है आपकी फैट से भी बनाई जा सकती है जरूरत पड़ने पर। तो फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा, फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर एसिटाइल कोए बनाता है। ये देख लो, प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स बनाते हैं, अमीनो एसिड्स एक तो पाइरुविक एसिड में एंटर कर सकता है, एसिटाइल कोए बना सकता है और क्रैब साइकिल में, जैसा जहां पर उसके कार्बन फिट हो जाए। अब मेरा पॉइंट आपको ये समझाने का है, मेरा पॉइंट आपको ये समझाने का है कि जैसे मान लो फैटी एसिड से मैंने एसिटाइल कोए बनाया, पर मैं एसिटाइल कोए से वापसी फैटी एसिड भी बना सकता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो जो डायरेक्शन चलेगी वो तोड़ने की तरफ चलेगी, मतलब ग्लूकोज को तोड़ के पाइरुवेट बनाया, फिर एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज किया। तो रेस्पिरेशन हमारे पास एक कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक, कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक का मतलब होता है कि चीजें टूट रही होती हैं, चीजें क्या हो रही होती है, टूट रही होती हैं, लेकिन जो पाथवे हैं, जैसे ये रिएक्शंस हैं, ये दोनों तरफ यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फैटी एसिड से एसिटाइल कोए भी बन सकता है, पर एसिटाइल कोए से वापसी फैटी एसिड भी बना सकते हैं। तो जो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन का पाथवे, वो दोनों दिशा में यूज हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे, पाथवे मतलब वो रिएक्शन जो रेस्पिरेशन में यूज हो रहे हैं, वो दोनों दिशा में यूज हो सकते हैं, तोड़ने के लिए भी और बनाने के लिए। इसलिए रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन जब होगा, जब एनर्जी बनानी होगी, तो ये रिएक्शन हमेशा तोड़ने के लिए यूज होंगे। तो रेस्पिरेशन एक कौन सा प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो इसी बात को जरा देखते हैं। तो कह रहा है कि ग्लूकोज जो है एक फेवर्ड है, ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन, अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर एज हैज बीन मेंशनड अर्लियर बट दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्लियर है, आप समझ लो। अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड, हम दूसरे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे भी यूज कर सकते हैं, कौन से यूज कर सकते हैं, फैट अमीनो एसिड। क्लियर है, क्लियर, ये चीज देख रहे हो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फैट को कब यूज करेंगे, वो ग्लिसरॉल में जाएगा और वहां से चला जाएगा ग्लाइकोलिसिस में, और फैटी एसिड कहां चला जाएगा, फैटी एसिड जाएगा बेटा एसिटाइल कोए में। ठीक है, ग्लिसरॉल देख रहे हो कहां बोल रहा है, यहां पीजीएल लिख रहा है, वहां डाईहेप्टाइड डायरेक्शन, तो दोनों में से किसी में भी। प्रोटीन कहां एंटर करेगा,
वो एंटर करेगा किस में, या तो पाइरुवेट में एंटर करेगा, देखो, या एसिटाइल कोए में, पाइरुवेट में, और क्रैब साइकिल में, तीनों में एंटर कर सकता है। ठीक है, अब हम यहां पे क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन में सिर्फ तोड़ना होता है, कैटाबोलिज्म होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये लिखा। ठीक है, और रेस्पिरेटरी पाथवे कैसे यूज हो रहे हैं, कैटाबोलिक पाथवे यूज हो रहे हैं। बट हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट दीज वेरी कंपाउंड कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ कुछ चीजों को बनाने के लिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी पाथवे दोनों दिशा में, उनमें जो चीजें बनी है, चीजें बनाने के लिए भी यूज हो सकती है बायोसिंथेसिस में। तो रेस्पिरेटरी पाथवे देखो क्या लिख रहा है, बट व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, एसिटाइल कोए निकाला जाएगा पाथवे में से, और क्या करेंगे, फैटी एसिड बना देंगे। तो रेस्पिरेटरी पाथवे कम इनटू बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन, मतलब रेस्पिरेटरी पाथवे तोड़ने के लिए भी यूज हो सकता है और बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। इसीलिए इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इनको एम्फीबॉलिंग बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं, ब्रेकडाउन मतलब कैटाबोलिज्म, ठीक है, और सिंथेसिस मतलब एनाबोलिज्म। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पाथवे दोनों में यूज हो सकते हैं, इसलिए उनको एम्फीबॉलिक कहते हैं। सही है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस करोगे तो सेम रिएक्शन हमेशा तोड़ने के लिए यूज होंगे। ठीक है, जब उसको निकाल लिया जाएगा तो बायोसिंथेसिस में होंगे, तो इसका मतलब हमने क्या बोल दिया, एम्फीबॉलिक बोल दिया। यस यस सर, आ जाओ आरक्यू की बात करते हैं। लेट अस टेक अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एज यू नो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कंज्यूम होती है एंड CO2 इज रिलीज्ड। मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, देखिए, जब आप ग्लूकोज लिखते हो ना C6H12O6, और जब कोई फैटी एसिड लिखोगे ना, जैसे मान लो मैंने 12 कार्बन का लिख दिया या 16 कार्बन का लिख दिया, तो मैंने मान लो यहां पर कुछ H का 30 लिख दिया, लेकिन ऑक्सीजन दो ही आएंगी, ये ऑक्सीजन किसकी है, COH की है। तो फैटी एसिड में ऑक्सीजन कम होती है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में जितना कार्बन है उतनी ऑक्सीजन होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनो, व्हाट इज आरक्यू, आरक्यू में CO2 ऊपर है, नीचे क्या, ऑक्सीजन है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर फैट में, फैटी एसिड में पहले से ही ऑक्सीजन कम है, तो मुझे ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखें, जितनी कार्बन है उतनी ऑक्सीजन है, तो मुझे ऑक्सीजन कम लगेगी। इसीलिए इसीलिए हम ये समझ पाते हैं, तो व्हाट इज आरक्यू, CO2 इवॉल्व, CO2 कब इवॉल्व होगी, रेस्पिरेशन में, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है, तो आरक्यू में CO2 इवॉल्व होगी और O2 कंज्यूम होगी। अब क्योंकि पहले से कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो आरक्यू क्या आता है, आरक्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो आरक्यू डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, और किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर यूज करेंगे तो आरक्यू 1 आ रहा है। कैसे 1 आ रहा है, आपने एक रिएक्शन पढ़ा है C6H12O6 plus 6O2, तो 6CO2 बन रहा था, तो 6 ऑक्सीजन गई और 6CO2 बनी। यस, तो आरक्यू बना गया, और आप देख पा रहे हो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन है, इसलिए आरक्यू क्या आ रहा है, आरक्यू क्या आ रहा है, आप समझ पा रहे हो, आरक्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर मैं फैट की बात करूं या प्रोटीन की बात करूं, उनमें मुझे ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ती है, तो मुझे बताओ क्या बेटर है, फैट यूज करना बेटर है, कार्बोहाइड्रेट यूज करना बेटर है, या प्रोटीन जिसमें कम ऑक्सीजन देनी पड़े, क्योंकि ऑक्सीजन कम पड़ती है ना, ETS में फाइनल एक्सेप्टर कौन है, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो 1 है, ठीक है, और CO2 आप देख सकते हो बाकी के लिए क्या है, हमारे पास लेस देन 1 आ जाएगा, जैसे ये 1 आ गया इसके लिए। ठीक है, अब ये ट्राइपाल्मिटिन है, मुझे कैसे पता फैटी एसिड है, देख यहां ऑक्सीजन सिर्फ 6 दे रखे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, तो मुझे पता है ये फैटी एसिड है, तो इसका आरक्यू 0.7 आएगा। ठीक है, प्रोटीन का लगभग 0.9 आता है। ठीक है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1 प्योर प्रोटीन फैट। मतलब क्या कह रहा है, जैसे समझो, मान लो आरक्यू फैट का कितना है, 0.7 है, प्रोटीन का आरक्यू कितना है सर, 0.9 है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना है, 1 है,
ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनका मोर देन वन होता है. यस, मैं इन सबको ऐड कर लूं तो कुछ वैल्यू मोर देन वन आ रही है, मतलब मुझे उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती. ये लिख रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन वन. इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे खाने में फैट प्रोटीन सब मिला के जिसे हम मिक्स कहते हैं उसमें आरक्यू नेट आरक्यू मोर देन वन आ जाता है. हम ऐसा खाना नहीं खाते जिसमें फैट का कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो या प्रोटीन का कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो. कार्बोहाइड्रेट होता है काफी ज्यादा और काफी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. ठीक है, इसलिए आरक्यू हमारा क्या आता है नॉर्मली खाने का मिक्स डाइट का मोर देन वन आता है. कभी भी प्योर प्रोटीन मतलब 0.9 या 0.7 नहीं आता. हम कभी भी प्योर प्रोटीन अपनी बॉडी में टू प्रोड्यूस एनर्जी यूज नहीं करते. ठीक है, तो ये हमने पूरा एकदम एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो थैंक यू सो मच. ठीक है, एक एफर्ट है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितना समझ आया एनसीईआरटी में. कुछ बच्चों को लगा होगा कि अगर हम नोट्स में मेन मेन साइकिल्स याद कर लें अच्छे से फिर यही रिवाइज करेंगे तो नीट के लिए सफिशिएंट है. यस ट्रू, दैट इज ट्रू, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होगी. बाय.